हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मैं स्वागत बोलूँ यहाँ बाय बाय वाले रिव्यू में? सो बस आज लास्ट, थोड़ी देर बाद आप सबकी मेहनतों पर या तो रिजल्ट मिल जाएगा या पानी भिड़ जाएगा, तालियां। सो तैयार हो जाइए दोस्तों, सभी लोग देखने के लिए बिग बॉस सीजन 17 का फिनाले। आप लोग अपने घर पे फॉर श्योर देख रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे आपका वाला जीत जाए, मेरी वाली जीत जाए। तो मेरी वाली में तो बेटा अब दो लोग बचे हैं, मन्नारा बाहर हो चुकी है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन जीतता है इस शो को, दोनों में से कौन जीतता है। अभी मैंने कान में हेडफोन इसलिए डाल को रखा कि मैं शो भी देख रहा हूँ, आपको भी सुन रहा हूँ, और साथ ही साथ एक आधा कोई कॉल आने का चांसेस है, जिससे मैं आपको कुछ क्षण पहले, सिर्फ कुछ क्षण पहले बता पाऊंगा कि विनर कौन है। तो आप लोग भी तैयार हैं? यहाँ पर मुनव्वर फारूकी के बहुत सारे लगातार नाम लिखे हुए आ रहे हैं, अभिषेक का भी नाम है, और कई लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे मन्नारा, कितने प्रतिशत भारतीय उम्मीद कर रहे थे मन्नारा जीते। वो किरण पाल जी हमें याद रह गए, किरण पाल सिंह जी तो हमें याद रह गए, और बाकी और बहुत सारे लोग होंगे जो लोग यहाँ पर चाहते थे अंकिता जी जीते। अंकिता जी ने बहुत अच्छा खेला, शी प्लेड वेरी 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 वेल, बहुत उम्दा खेल था उनका। लेकिन अब कर क्या सकते हैं कि वोटों के आधार पर हो रहा है, तो वोटों के आधार पर बिल्कुल सही हो रहा है। टॉर्चर बेचारे दोनों लड़के सबसे ज्यादा हुए थे, सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफों का सामना करना पड़ा तो वो इन दोनों को ही करना पड़ा। अंकिता जी को करना पड़ा, पर अंकिता जी अपनी मुसीबतें तो साथ ही लाई थी, मतलब अपने परिवार वाले और जोड़ीदार। वैसे सारा था इस बार बिग बॉस का एक फिक्शनलाइज ड्रामा, जिसके अंदर मोस्टली जितने भी लोग यहाँ पर पीड़ित हुए वो अपनों की वजह से ही हुए, फिर चाहे अभिषेक ईशा की वजह से हुए हो, फिर चाहे यहाँ पर अंकिता जी विक्की की वजह से हुई हो, सासू माँ की वजह से हुई हो, या फिर मुनव्वर अपने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की वजह से हुए हो। मगर मन्नारा जो कि एक सोलो गेम खेल रही थी, सोलो बिल्कुल ठीक है, उनका गेम एकदम सोलो था, तो सोलो के हिसाब से वो एकदम ठीक निकली, उन्हें किसी चीज का तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। लव यू मन्नू भाई, मुन्ना एंड अभिषेक टॉप टू मिले। सिमरनजीत ये कह रही है, सिमरनजीत कल भी ये कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता यहाँ पर कि कोई ऐसा जीते जो डिजर्विंग नहीं हो, और बाकी के आप सब लोग भी यही चाहते हैं कि डिजर्विंग लोग जीते जिनके साथ में बहुत ज्यादा बिग बॉस ने भी किया है और मेहनत हुई भी है। देखिए हमारे पास कपड़े हो गए थे खत्म, अब हम सोच रहे थे हम क्या पहने थे, थोड़ा सा क्लीवेज अगर आपको डीप दिखे तो मैनेज कीजिएगा, कपड़े थे ही नहीं मेरे पास, सब पहन लिए मैंने, बहुत बहुत बार पहन लिए। अब अगली बार किसी डिजाइनर या फिर किसी डिजाइनर से तो काम हमारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि रोज रात को एक नया जोड़ा चाहिएगा। तो हम इस बार क्या करेंगे, हमें ना कुछ उन लोगों से बात करके रखेंगे, जैसे कपड़े की दुकान वाला हो गया, अब अगर आप में से कोई कपड़े की दुकान वाला है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, अगली बार 105 दिन तक आप हमें लगातार कपड़े दे दीजिएगा। बीच में भी जरूरत पड़ती रहती है, 45 दिन मुझे भी कोई काम दे ही देता है, तो 150 दिन के लिए आपकी जरूरत पड़ जाएगी तो आप दे सकते हैं। और आप देख रहे होंगे धज्जियां उड़ती हुई, बेइज्जतियां भी बहुत सारे लोगों की हो रही थी फिनाले में, जो लोग आए बिना बुलाए हुए, स्पेशली यहाँ पर बिना बुलाए हुए मतलब एक बार फोन करते ही आ गए ना ये लोग, अपनी अपनी टिकट करा के अपनी मर्जी से, तो आप देख रहे होंगे धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आप किन किन का नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे नीचे के, जिनकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी? वोट फॉर मुनव्वर यहाँ पे लिखा है इन्होंने, इनका नाम है शहबाज अहमद साहब ने लिखा है वोट फॉर मुनव्वर। मुकरम शेख लिख रहे हैं कोई भी विनर हो दोनों में से, पर मनु अभी और मुनव्वर में से कोई भी जीते इनको अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है मनु भाई आपको मिस करेंगे। आप मुझे अगर मिस करना नहीं चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम लोग शॉर्ट मूवीज पर भी काम कर रहे हैं, हमको आपने बहुत सारी अपनी कहानियां भी भेजी है, हम उनके ऊपर भी काम करेंगे, कुछ तो मैं भी कर दिखाऊंगा। माँ माँ मैं भी इस दुनिया में कुछ तो करने के लिए आया हूँ, माँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा पक्का, तो हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे दोस्तों। मुझे कॉमेंट वाली वो दे देना यार कि मैं कॉमेंट्स ले लूँ। तो वैसे अगर आप चाहें तो स्प्लिट्स वेला का सीजन 15 आने वाला है, आप देख रहे हैं किस तरीके से सनी लियोनी जी आपके सामने दोनों हाथ जोड़ के बैठी और कह रही है आइए अपना हुनर दिखाइए, अगर आपके अंदर हुनर है तो आइए दिखाइए। आपने देखा होगा सनी लियोनी जी को, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं डांस दीवाने में, डांस के 17 बार लगातार बिना रुके हुए अवार्ड ले चुके सुनील शेट्टी साहब भी आ रहे हैं, और जूही चावला जी भी आ रही हैं। जूही चावला जी को एक उबला ज्यादा मिल गया था, पर माधुरी दीक्षित जी, माधुरी दीक्षित जी द ग्रेटेस्ट सुपर हीरोइन, खूबसूरती की हद खत्म हो गई, खूबसूरती इतनी हद हो चुकी है, इतनी खूबसूरत लेडी भी आ चुकी हैं जिन्होंने भारत देश के लिए बहुत सारी नामी ग्रामी पिक्चरें की है, जिनकी वजह से आज भारत रोशन है। एक सेकंड रुक जाइएगा गाइस, हेलो अभी नहीं है यहाँ पे
आने दीजिए फिर देखते हैं ना, कुछ कोई मिले तो बताना, ठीक है? ठीक है, लव यू मनु भाई, वी विल मिस यू, वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑन योर न्यू पॉडकास्ट। सौरभ साहब, थैंक यू सौरभ साहब। सौरभ साहब, मैं इससे पहले भी आपको मौका दूंगा, ऐसी बात नहीं, इससे पहले भी आपको मौका मिल जाएगा मेरे पास आने का, मुझे अपने आप को, अपनी प्रतिभा दिखाने का। हम लोग शॉर्ट मूवीज पर काम कर रहे हैं, अगर आप भी एक्ट करने में, अगर चाहते हैं एक्ट करना चाहते हैं, किसी तरह की परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, कोई अच्छी स्क्रिप्ट है आपके पास तो आप हमें भेज सकते हैं। मैं मनु हूँ @gmail.com पर पोल डालिए, एक पोल डाल रहे हैं गाइज हम लोग आप लोगों के लिए, एक पोल आ रहा है आप लोगों के लिए, जिस पोल में पोल खुल जाएगा कई लोगों का, तो उस पोल का भी इंतजार कीजिए। क्रुशिल शाह लिख रहे हैं, मुनव्वर फारी को ही जीतना चाहिए, जिस हिसाब से आपसे आपने आपसे रिकॉर्डिंग डालते ट्विटर पे, जिस हिसाब से उसने रिकॉर्डिंग भेजा था मुझे, मतलब वो रिकॉर्डिंग, देखिए मैं रिकॉर्डिंग का कोई फायदा उठाना नहीं चाहता था, मतलब मुझे उसने आज से 2 महीने पहले ये रिकॉर्डिंग, मतलब शो में जाने से पहले करीबन 3.5 महीने पहले ये रिकॉर्डिंग भेज दिया था, पर मैंने जो मुनव्वर फारूकी का रिकॉर्डिंग डाला, मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड करना ही नहीं चाहता था। मैंने आज सिर्फ इसलिए की बिकॉज इनफ ऑफ द हेट, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा लिख रहे थे, तो मुझे बताना था कि हम लोग अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे हम लोगों का भी रीजन क्या है। वो एक दोस्त है, वो एक अच्छा इंसान भी है, साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा। वोट खुलेंगे थोड़ी देर में, सब तैयार रहो वोट करने के लिए मुनव्वर को। करण थापा, करण थापा मैं भी इसीलिए लाइव आया हूँ बिकॉज आपको बताने के लिए कि थोड़ी देर में वोटिंग लाइन्स खुलने वाली है और आप लोग दिल खोल के वोट कीजिए। 10 मिनट आपको वोट करने के लिए मिलेंगे, अब तो शायद 10 भी नहीं मिलेंगे, मगर आपको जो टाइम मिलने वाला है वोट करने के लिए आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा भाई। अब मुन्नन्ना और अभी मैं से कोई भी जीते से चीयर्स टू किरण पाल, जियो के डायरेक्टर की चली नहीं, गाइस अभिषेक को वोट करो। मनवीर संधू, मनवीर कल कहा थे तुम किरण पाल जी को, तो तुम सब लोग पीछे पड़े हो, टेलीफोन भी आ रहे किरण पाल जी। किरण पाल जी आप कहां पर है, अपने प्राइवेट जेट से कहीं आप निकल तो नहीं लिए? गाइस हमने यहां पर पोल भी डाल दिया है, तो आप भी पोल खोल कर सकते हैं, यहां पर डाल सकते हैं आप, ये पोल तब तक चलेगा जब तक के यहां पर हमें विनर मिल नहीं जाता, तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहां पर आ सकते हैं और मैं आपको यहां पर अपने पोल पर एक वोट मैं भी कर देता हूं। मनु भाई सीजन के बाद एक बार मुनव्वर को जरूर इनवाइट करना लाइव पे, लॉट्स ऑफ लव भाई आशुतोष। आशुतोष डेफिनेटली मैं मुनव्वर और अभिषेक दोनों को लाइव पे लेकर के आऊंगा, आप उस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको दोनों लोग इस लाइव पर मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे, दोनों लोग आपको भरपेट अपनी लाइफ के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। एपिसोड एक बार और शुरू हो चुका है, बिग बॉस अपने कमिटमेंट से फिर एक बार झूठ बोलते हुए खरे ना उतरते हुए। बिग बॉस ने हमसे ये कहा था कि 12 बजे शो खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं भी आ गया था लाइव पर, लेकिन अभी तक शो खत्म करने का नाम नहीं। कृष्णा आए एक बार और नाचते हुए, कृष्णा को डबल सैलरी मिलेगी आज, जितनी उन्होंने मेहनत की लगातार बिना रुके हुए। कृष्णा हिल रहे, पानी पी लेता हूं। एक बार और सना की बेइज्जती होती हुई, दोस्तों आप अपने घर पर टीवी देखिए, आप अपने घर पर टीवी देखिए, मैं यहां से देखता हूं, अपनी स्क्रीन को ऑन रखिए, हमारे को जो भी कुछ दिखता है तो आप उस पर बात कीजिए। प्लीज वोट फॉर अभिषेक, दिव्या कह रही है, गाइस डू वोट फॉर अभिषेक, दिव्या ने कह दिया, अब तुम्हें और चाहिए क्या? आपका रिव्यू मिस करूंगी मनु भाई, स्टे हेल्दी पिंकी, स्टे हेल्दी टू यू टू डार्लिंग, थैंक यू फॉर द विश, थैंक यू बेटा। मुनव्वर भाई कब आ रहे हैं आपके लाइव पॉडकास्ट में, ये सुनहरा टाइम कब आने वाला है? इरशान पहले बेचारे को घर आने दो, आ जाए अपने घर एक बार, मिल ले अपने घर वालों से, अपने बच्चे की शक्ल देख ले, थोड़ा शांत हो जाए, एक आध दिन में बुलाते हैं, फिर मचाते हैं, फिर एक लाइव उसको भी कर लेने दो आप लोगों के साथ, फिर हम उसके बाद उसको बुलाते हैं और हमारे साथ होगा वो, बिल्कुल डेफिनेटली उसको लाइव करवाएंगे। और मैं आज तक सेलेक्टेड 2 या 3 लोगों को ही अपनी लाइव पे आफ्टर शो लेकर के आया हूं, पर मैं उनको लेकर के आऊंगा डेफिनेटली। सो यहाँ पर एक बार मुझे लगता है ये 12:30 तक लेकर के जाएंगे शो को, बिकॉज इनको टीआरपी मिल रहा है और बहुत सारे लोग भी लगातार इनको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो शायद ये और लोगों को भी लेकर आएंगे। पोल अपन कैसे देख सकते हैं जहां पड़ा है? आई नो मनु भाई, आप किसी के लिए नहीं डालते और आप ऑलवेज जो हैं वो ही बोलते हैं, इसीलिए तो हम लाइव की जगह पे आपके लाइव देख रहे हैं।
कुशल, थैंक यू कुशल शाह। एक्चुअली मेरे ऐसा करने के पीछे रीजन भी है, मैं नहीं चाहता मतलब लोगों को ऐसा फील करवाना। मतलब पता है कई बार थोड़ी सी बात ऐसी रहती है, कुछ लोग अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे होते हैं, नहीं करना चाहिए ना यार, हम सब भाई तो हैं आपस में। जब मेरे घर के बाजू में किसी अदर कास्ट वाले का घर बनने से पहले या अदर मजहब वाले का घर बनने से पहले हम नहीं इतना सोचते, और बन रहा होता है तो बनता है। ऐसा थोड़ी कि मेरे मोहल्ले में सिर्फ मैं ही रहता हूँ, आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ, हम सब रहते हैं। नील भट्ट CID 1, किरण पाल जी CID 2, आई एम क्रेजी फॉर नॉर्थो। नॉर्थो देखिए, आने दीजिए किरण पाल जी, आपकी बहुत सारी बातें चल रही है, आपको सब सुनना चाहते हैं, आप कहाँ हैं, प्लीज आइए, प्लीज आइए। अंकिता को भी लाना आपके चैनल पे, लव्ड हर टुडे। डेफिनेटली मैं बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करूंगा उनको भी लाने की। कोशिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, और विकी से हायलो भी हुआ है मेरा, तो अपन पूरी कोशिश करेंगे। मतलब विकी को मैंने मैसेजेस किए हैं सामने से, वो जैसे ही देख लेंगे वो डेफिनेटली रिस्पॉन्स भी करेंगे। प्रियंका, मनु आई मिस्ड यू, यू ऑलरेडी स्टार्टेड, थैंक यू, लव यू। बाय द वे अभी फिली येट रियल है तो बेटर, वही जीते, अभी रियल है तो फिलहाल वही जीते। मुन्ना फेक प्ले किया समवेयर, यूट्यूबर्स आर लीडिंग बीबी, बाकी हु इज योर फेवरेट? प्रियंका, प्रियंका बोथ आर माइन, लाइक दोनों का गेम बहुत अच्छा था, दोनों मुझे बहुत पसंद आए। मनु भाई किरण पाल को बुलाओ, आज हम बोलेंगे। जेवियर यहाँ पे कह रहे हैं किरण पाल तुम कहाँ पे हो, तुमको अपना नंबर देना चाहिए था हमको, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट किरण पाल को मन हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। भाई मन्नारा को कब से ये लगता है कि वो विनर है, और आज भी वो अलग ही कॉन्फिडेंस में है। सबसे ज्यादा सीरियस इज्जत आयशा और विक्की की माँ की उतार रहे हैं सोहेल। अब देखो लोग आते हैं तो फिर ये होता है। देखो यार सिमरन कौर, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। देखो अगर लोग आएंगे और लोग इस तरह की चीजें करेंगे तो लोगों के साथ ये होगा, क्योंकि आयशा बैठी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक दो लोग नहीं आए तो उनको भी नहीं आना चाहिए था आज यहाँ पर। अगर वो नहीं आती फॉर एग्जाम्पल आयशा, तो कुछ बिगड़ना नहीं था। अगर इससे भी कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि सलमान सर ने भी बोल दिया, चैनल ने भी बोल दिया, मुनव्वर ने भी बोल दिया, बाहर लोगों ने भी बोल दिया, इसके बावजूद भी अगर आप आते हो फिनाले अटेंड करते हो तो ठीक है, आपके अंदर कुछ करने की ललक है ये मान लेते हैं, या डेस्परेशन ऑफ किसी चीज का डेस्परेशन है, वर्क डेस्परेशन है, आप इसीलिए आते हो, तो ये चीज बहुत क्लियरली दिखती है। इंसल्ट बहुत ज्यादा दो तीन लोगों की हो रही है, एक वो मिस इंडिया है उनकी भी बहुत इंसल्ट हो रही है, यहाँ पर चिंटू की भी बहुत इंसल्ट हुई है, और साथ ही साथ उनकी मदर इन लॉ को भी बार 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 पकड़ा जा रहा है, जो हम सब लोग देख रहे हैं कि रेगुलरली मदर इन लॉ को पकड़ा जा रहा है। सो अब चीजें बहुत पास हैं, थोड़ी देर में ही हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है कि कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता है। मुनव्वर डिजर्व ट्रॉफी, नॉर DPS, अभिषेक 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 सानू राय। सो अभी जैसे ही वोटिंग लाइन खुलती है, आप लोग बस धड़ाधड़ लगातार बिना रुके वोट कीजिए। और आप देख रहे होंगे वो टेलर स्विफ्ट वाला कमेंट बार बार किया जा रहा है मन्नारा को, तो लेट मी टेल यू कि वो क्यों कहा जा रहा है। मन्नारा को एक्चुअली डांस परफॉर्मेंस करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने पलट के ये कहा कि मैं डांस परफॉर्मेंस करना नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ मुझे टेलर स्विफ्ट की तरह कुछ करवाया जाए। तो फिनाले में आते ही उनके टेंट्रम शुरू हुए होंगे, क्योंकि चैनल को बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि चैनल ने जो क्रिएटिव बना रखा है आप उसके ऊपर काम करें, तो उसने उसके ऊपर कुछ नाटक दिखाने की कोशिश की होगी। जेवियर, आपके चैनल का अनुराग किरण पाल निकला, जस्ट जोकिंग। अनुराग ने बहुत अच्छा किया, अनुराग नहीं आया, अनुराग को भी नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुराग भी अगर आता तो उसको चार बात बेचारे को सुनने को मिलती, और कहीं ना कहीं उसको नचवाया जाता, ये किया जाता, वो किया जाता, दैट्स गुड, वो नहीं आया तो। और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। चलिए यहाँ पर टॉप 3 में से टॉप 2 होने जा रहे हैं, हालांकि पता बहुत सारे लोगों को है कि अंकिता जाने वाली है, पर फिर भी आप देखिए उनका नाम है, तीनों लोग अपने अपने धर्मों की चैंटिंग कर रहे हैं। अभिषेक का नाम लेकर के बोले, एनी गैसेस अभिषेक? अभिषेक की सांस रुकी हुई है, अटका पड़ा है अभिषेक। अभिषेक कह रहा है अभी कुछ पता नहीं चल रहा। मिग्नॉन परी, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। वोट खुलेंगे थोड़ी देर में, बिल्कुल वोट खुलेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में वोट खुलेंगे। अब सलमान सर अनाउंस कर रहे हैं जो विनर की रेस से बाहर हो रहा है, उस सदस्य का नाम है, बड़ा बड़ा
मनारा कह दिया सलमान सर ने, और बड़ा डरावना मोमेंट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कई कभी भी हार्ट अटैक तक आने का चांस होता है। मैंने सिचुएशन फेस की है बिग बॉस में। मनारा चोपड़ा, सलमान सर ने कह दिया, मनारा चोपड़ा बाहर आ गई है, वेल प्लेड। मनारा का और अंकिता को भी उन्होंने विनर की तरह ट्रीटमेंट दिया, बिकॉज उनको भी ये लगा था कि शी डिड वेरी वेल इन दी शो, सो इसीलिए उन्होंने उसको भी बहुत ज्यादा इज्जत दी, और अंकिता डिजर्व भी करती थी वो इज्जत, और अंकिता बहुत कॉन्फिडेंटली वहां से गई है। दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम हर, मुझे अच्छा लगा वो भी देख करके। हाय मनु भाई, कुलदीप फ्रॉम यूएसए, आपसे फैमिली कनेक्शन बन गया है, आई विल मिस यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू कुलदीप कौर, एंड सेम फीलिंग फॉर यू गाइज, मुझको भी सेम आपसे फैमिली की तरह लगता है। पर ना कौन ऐसी है, कुछ भी पहन करके आया था, आप बताओ। जो भी भाई, सिर्फ आप के लिए ये सुपर चैट कोई भी जीते, ये सुपर चैट सिर्फ आपके लिए, कोई भी जीते, क्या बात है, मजा आ गया ये। जैकी शरीफ SAR, जैकी शरीफ SAR। अच्छा सलमान सर छेड़ रहे हैं, मजाक का कोई वक्त नहीं होता है कि मनारा निकल गई, छेड़ रहे हैं अभी भी, स्टिल छेड़ रहे हैं। आपके अंदर कोई पैशन नहीं है आप लोगों में। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन इस घर से बेघर होता है। डीजे मुन्ना, थैंक यू फॉर द सुपर चैट वापस एक बार और। सलमान खान ने डराया, डांटा, फिर एक बार मनारा चोपड़ा ही नाम ले लिया उन्होंने, थोड़ा डराया बच्चों को। निवेदिता, मनु सर आपकी बहुत याद आएगी, अब कल से दिन दोपहर से दिन कल से दिन अधूरा सा लगेगा। आई प्रे फॉर 1 मिलियन इन योर चैनल वेरी सुन, आई विश बीबी साल में 2-3 बार होता। अरे हाय निवेदिता, लव यू यार, निवेदिता लव यू यार, थैंक यू फॉर दिस कमेंट, थैंक यू फॉर दिस कमेंट, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा मुझे। इसमें बैटरी नहीं है, अपनी किस्मत की तरह पूरे दिन अपन लोग बैठे होते हैं पर फिर भी बैटरी नहीं है, लगा ऐसे सिस्टम और बैटरी स्टार्ट कर। अब एक बार एक लाइट बंद, दूसरी लाइट बंद। सो मनारा गॉट इविक्टेड गाइस, अब हमारे पास दो हैं, हाथ अप एंड डाउन होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और हमारे को मिलेगा एक। वेल प्लेड मनारा, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेली मनारा, लोगों का जीना आराम कर रखा, कभी उसको दुख दर्द तकलीफ बिग बॉस ने देने नहीं दी, बच्चा गोद से नीचे नहीं उतरा। सफर को टफ तो कहा जाएगा, बहुत टफ कहा जाएगा, बट शी प्लेड वेल, लाइक उसने जो बिग बॉस को चाहिए था, जिस तरीके की लड़की थी उसने करके तो कमाल दिखाया, नो डाउट। मुनव्वर जीत गया, चेक विकिपीडिया। जैन, जैन ये विकिपीडिया पर आए, कहीं पर भी आए, अपन तो तब मानेंगे कि जब यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट होगा, क्योंकि विकिपीडिया प्रिडिक्ट ही तो कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि जब तक कलर्स नहीं दिखाता है तब तक कोई अपन बात मानेंगे नहीं, क्योंकि लाइव चलेगा भी शो जब लाइव वोटिंग शुरू होगी। उनकी मदर कह रही है मैं चाहती थी कुछ सीखे, इसीलिए मैंने उसको इंटर्नशिप में आपके अंडर भेजा था, एंड शी इज बिकम वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। सलमान सर को थैंक यू कहा उन्होंने। मुनव्वर जीत गया, चेक विकिपीडिया। बट माही मुनव्वर इज अ किंग। गाइस आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए आप। आप में से कितने लोग अपने फोन पर देख रहे हैं, और कितने लोग अपने घर पर बैठ के देख रहे हैं, और कितने लोग देख ही नहीं रहे हैं और ये देख रहे हैं कि सीधा रिजल्ट ही देख लेते हैं, बताइए। संडे है, कहीं पार्टी पुट्टी का माहौल हो आपका। मनु आपका मैनेजर कौन है, सलमान सर पूछ रहे हैं। तो मम्मी तो मैनेजर है उनकी, मम्मी को मम्मी ही रहने दो। मनारा कह रही गैलेक्सी के बाहर आ रही हूं पहले तो मैं। टाइगर 4 में मनारा, भारती, गजब, मजा ही आ जाएगा। मनु भाई मुझे सेम सीजन 13 वाली फीलिंग आ रही है। वकार हसन, वकार हसन व्रिक, इसका मतलब क्या हुआ आपको जो फील आ रही है? ये वोट्स किसके किसको कितने पड़ रहे हैं, कहाँ है वोट, तेरा हाईलाइट हुआ है नहीं हुआ है,
वही नहीं रहा, पोल पे कहाँ है, जीरो वोट्स है। क्लिक करो इस पे। हैं क्लिक कैसे करूं, दिख नहीं रहा है क्या गाइस? आप लोग पोल देख पा रहे हैं क्या जो हमारा लाइव चल रहा है? क्योंकि दिख रहा होता तो पागल इस पे आ रहा होता ना कुछ। पोल पब्लिक है ही नहीं मेरे हिसाब से, दिख ही नहीं रहा है पोल। दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, दिखा वोट्स गाइस? आपको पोल दिख रहा है, वोटिंग लाइंस खुल गई हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, जाओ जाकर वोट मारो। डेफिनेटली करण थापा, अभी का भी वोटिंग लाइन खोलो और वोट मारो। कहाँ है, तेरे को आता नहीं है चला करना, एक बार जा दूसरे कमरे में सीख के आ पहले पोल कैसे स्टार्ट होता है। कहाँ हुआ तो तू करके देखना वोट, एक क्या हो रहा है। वोटिंग लाइन हम भी यहां पर डाल रहे हैं गाइस, आप भी देख सकते हैं वोटिंग लाइन, हमको यहां पर भी रिजल्ट पता चल जाएगा। मनार और अंकिता का योर रिव्यू ओनली, क्या बात है सना साहब, थैंक यू सना खान। आपको वोटिंग लाइन दिख रहा है क्या हमारा, हमारा वोटिंग पोल? नो, वोटिंग पोल दिख रहा है आपको हमारा सर? नहीं दिख रहा है किसी को भी, आप जाके उसको लाइव करना सीखो पहले, जाओ बाहर जाओ, क्योंकि यहाँ पे कैसे देखोगे, यहाँ तो हेडफोन लगाओ, यहाँ कैसे देखोगे। देखो परफॉर्मेंस आया मन्नारा का और अंकिता जी का, अब इन दोनों को बाहर कर दिया तो इनकी परफॉर्मेंस बाहर आने के बाद दिखाई जा रही है। पहले मनारा ने डांस करने को मना कर दिया ना, बाद में नचवा लिया बिग बॉस ने डांट के। नहीं हो रहा ना, सुन अगर तू जितनी देर तक रुका रहेगा ना उससे बढ़िया देख ले फटाफट, हाँ एक कोई वीडियो देख ले उससे पता चल जाएगा। वोटिंग लाइन्स आर ओपन, गो एंड वोट टू योर फेवरेट कंटेस्टेंट गाइस। आपको पोल हमारे यहां पे नहीं दिख रहा क्या, यस और नो बता दो एक बार प्लीज। इट्स बग, इट्स बग, बग क्या मतलब, नहीं हो रहा है? नो 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 नो, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा और ना हो रहा है, इसको डिलीट कर दोबारा डाल, तू ही कर डिलीट। यस क्या होता है, अगर यस है तो फिर वोटिंग कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट कोई बताओ कि कर पा रहे हो वोट। एक तो इतने कंफ्यूज लोग है ना यहाँ पर, या फिर कंफ्यूज करके उनको मजा आता है, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो, क्या होता है यस नो यस नो, हो रहा है लिख रहे हो, हमसे नहीं हो रहा वोट, अपन कहाँ कर पा रहे हैं वोट, कर पा रहे हैं? खुल जाएगा, खुल जाए एक बार प्रॉपर देख। तेरे फोन पे हो रहा है क्या मेरा वो? दिखा तो फिर एक वोट क्या, अब तक तो 50,000 वोट हो गए होते अगर ऑन होता तो। मैं इसको डिलीट करूं, कर दो, जीरो वोट लिखा हुआ रहा है, क्योंकि वोट तो कंटिन्यू अपडेट होंगे ना, हट गया। अब दोबारा डाल, हम दोबारा डालते हैं बिकॉज हमको तो वोटिंग दिख नहीं रहा था। ये क्या रहा है, पोल कंप्लीट 20K वोट्स का, कोई नहीं बिग बॉस 17 मुनव्वर 65% 35% वोटिंग पोल कंप्लीट। ये कहीं और का है, अपना है क्या ये? हाँ ये अपना ही है शायद, ये अपना है क्या? हाँ ये अपना ही है। तो फिर हमको तो दिख ही नहीं रहा था यहाँ पे। तो वो हमारा ही था फिर शायद। अब मेरी स्क्रीन कौन सी खुल गई, इसको बैक कैसे लूं? कर दूं इस पे? ओके तो एक बार और डाल दे एक वोटिंग पोल, हमने डाल दिया 65% मुनव्वर एंड 34% यहाँ पर हमारे पास आया अभिषेक। एक बार और डालते हैं वोटिंग पोल, और डाल दे एक बार फटाफट से। अंकिता नास्ती तो तगड़ा है भाई, क्या लिख रहे हैं भैया, 20K वोट्स हैं टोटल। माधुरी चोपड़ा, माधुरी चोपड़ा किसके 20K हैं? मुझे एक बार एक आदमी पूरी चैट पे ये लिख दो कि मनु भाई आपके पोल पर 20K वोट्स आए हैं, इतनी सी लाइन एक जन लिख दो तो मुझे पता चल जाए हमारे यहां से आया था। आई लव यू मनु सर, गाइज वोट फॉर वोट करो मुनव्वर को। मुनाजिर अली, मुनाजिर अली बिल्कुल, मुनाजिर अली बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस दिख रहे हैं, दिख रहा था भैया, दिख रहा था, एक बार और कर ले भाई। मोहम्मद परवेज, मोहम्मद परवेज एक बार और, अब आ रहा है, अब आ रहा है कंटिन्यू। चलिए गाइस अभी आप कर सकते हो वोट, छोटा क्यों हो गया,
दबाने के बाद अब रहने दे, अभी आ रहा है वोट गाइस, कंटिन्यूसली कर सकते हैं आप। 35% पे अभिषेक है और 65 पे मुनव्वर है, 36 और 64। अब हमें वोट दिख रहे हैं 412, 4400। गाइस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कीजिए। अंकिता जी क्या नाच रही है, लोगों को धोखा कभी हो जाता है यारों का दिल खो जाता है। बैटरी लो, इसकी हो गई, लो इसकी इसकी कान वाले की, इसकी कैसे क्या पता, इसको लगा दे, इसको भी लगा दे, इसके अंदर इसको डाल के, इसको तो तू लगा के रख, उसको लगा दे, ये लगा लो, ये तो सुनाई दे रहा है मेरे को, सुनाई तो मुझे भी दे रहा है, अभी तो दे रहा है 10%, अब धीरे धीरे कम देगा। थैंक यू मोहम्मद परवेज साहब हमारी मदद करने के लिए। 37 पर अभिषेक है गाइस, वोटिंग लाइन बहुत क्लियर है और वोट के बेस पे ही जीत और हार तय की जा रही है। अंकिता जी लग तो मस्त रही है, मन्नारा भी ज्यादा भर गई पानी में। जैली 610 कैसी हो तुम, हाय मनु हाउ आर यू, मिस यू फ्रॉम टोरंटो, मिस यू फ्रॉम टुमारो, मैं टोरंटो पढ़ रहा था, मिस यू फ्रॉम टुमारो, लाइव पे ले आओ फाइनल रिजल्ट तक, टुडे इज माय एनिवर्सरी, विश अस माय हबी आल्सो विथ मी, वांट मुन्ना टू विन एंड हैप्पी बर्थडे टू मुन्ना आल्सो। एक कमेंट में कितनी सारी बातें कर गई आप, बट मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा, जैली के हस्बैंड आप दोनों को आपकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत सारी बधाइयां, और आप इसी तरह से डकेट्स और डकेट्स और डकेट्स और डकेट्स ये 7 जन्मों वाली बात को मुकम्मल करें। थोड़ा सा अप एंड डाउन हो दोनों के बीच में, किसी वॉइस ऑफ क्लैश हो रहा हो, छोटा मोटा झगड़ा हो रहा हो, चीजें खरीदने नहीं खरीदने के ऊपर बहस हो रही हो, तो इन्हें सिर्फ एक टेम्परेरी बहस ही समझें, क्योंकि ये जिंदगी भर नहीं चलनी है। बिग बॉस में इतने अटैक्स होने के बाद भी लोग अपने अपने घरों को पहुंच गए ना, तो आप चिल रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइफ है, चलती रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को छोड़िए। और मैं 100% एक बात मान सकता हूं, जैली के पति देव मियां साहब आप एक बहुत समझदार इंसान होंगे, आप इनसे ज्यादा समझदार होंगे, पक्की बात है, मेरा ही मानना है। मनु कहां थे, प्रियंका मनु कहां थे कि आप परेशान हो तो किसी को बता देना चाहिए। मनु तुमने कहा था कि अगर परेशान हो किसी को बता देना चाहिए। I am super depressed and diverting myself through BB and your show. अब क्या होगा रोज। हाय प्रियंका, लव यू प्रियंका। कुछ हम इंतजाम कर रहे हैं आपके लिए कि कुछ आपके लिए ढूंढ सकें, और मैं डेफिनेटली आपकी रेमेडी बनने की कोशिश करूंगा जिंदगी में, फिर चाहे मुझे स्टैंड अप करना पड़े, मुझे कहानी सुनानी पड़े, मुझे शायर बनना पड़े, पर मैं आपके पास जरूर आऊंगा। जय श्री राम शुभम, जय श्री राम मनु भाई, वोट फॉर अभिषेक कुमार, वोट फॉर अभिषेक कुमार गाइस, ये अपील आई है 37 and 63%। मोहम्मद परवेज वेलकम सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। सो गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, मुझे एक चीज की बहुत खुशी हो रही है कि जिन लड़कों ने सबसे ज्यादा सुना, जिन लड़कों ने सबसे ज्यादा सहा, जिन लड़कों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई, वो दोनों के दोनों लड़के यहाँ पर हैं, फिनाले में हैं। और अभिषेक ये कह रहा है कि शैतान से इंसान बना दिया आपने हमको, हम बहुत थैंक यू है। और मुनव्वर भी कह रहा है कि ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमें यहाँ तक लेकर के आ गए। सो टॉप 2 आपके हवाले दोस्तों, अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है। हाय मनु, बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माधुरी चोपड़ा, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। सो गाइज पहले हमारे पास इतनी देर में तो 20,000 वोट्स आ गए थे, अभी हमारे पास 11,500 वोट्स आए हैं। आइए सर, आप आइए सर, जिन सर के बिना हमारा काम कभी सुधर नहीं सकता था, अधूरा सा रह जाता, ढंग से हो नहीं पाता, वो सोनू कुमावत जी हमारे साथ हैं। दोस्तों मैं जितनी बार अपनी जिंदगी में पर्सनली गुस्सा हुआ हूँ उतना मैं इन्हीं की वजह से हुआ हूँ। आइए सोनू सर। दोस्तों साले आते ही मेरी उंगली दबा दी इस वाली कुर्सी पे आ जाए इसलिए। यम दोस्तों आपका स्वागत है सोनू मनु शो में, उस तरफ आ जाइए, चला चला के आप आइए। तो दोस्तों सोनू मनु आपके सामने है। सुशील गुप्ता फॉर मिस्टर इट्स ओनली अंकिता, आई लव यू अंकिता फ्रॉम सोनी। सुशील गुप्ता जी लिख रहे हैं कि इट्स फॉर ओनली अंकिता, वो चाहते थे अंकिता जीते। अभी एक बार सुनते हैं कि बात क्या चल रही है।
बिग बॉस कह रहे हैं कि बाहर के रिश्तों ने ज्यादा परेशान किया बेचारों को, अंदर वालों ने नहीं किया, और इनको करवाया किसने, करवाया किसने, बिग बॉस ने खुद नहीं कराया, चुगलीखोर आदमी एंड में मान नहीं रहा। दोनों मोहल्ले की भीड़ में अकेले भी हुए तो अपने दम पर ऐसे खड़े रहे कि दिखे नहीं कहीं कहीं एपिसोड, लोगों ने इनकी धज्जियां उड़ा दी। दोनों ने अपने दिमाग से इस मोहल्ले में आए उन्हीं सब लोगों को पीछे छोड़कर ऐसे मात दी कि सीजन, ये मोहल्ला ऑडियंस को हमेशा याद रह जाएगा। ये बात तो याद तो रह जाएगा, ये बात सच है, याद रह जाएगा। मैंने तो सिर्फ मकानों को सिर्फ दिल दिमाग और दम के अंदर बदला था, तुमने इनके अंदर हंगा भी है, टट्टी खराब की है तुमने हमारी। मतलब कुछ ऐसा कहना चाहते हैं बिग बॉस एक्चुअली, कल से इनको सफाइयां भी करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। मैंने तुम्हें उजला साफ मेक माय ट्रिप वालों को भी नहीं मिल रही, 20 गेस्ट स्टे करने के लिए हमने इतने पैसे मांग लिए। मिगनेन परी, आज पहली बार लाइव पर आई हूं, वरना हमेशा बाद में ही देखा देखना पड़ता है। लॉट्स ऑफ लव टू यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बहुत याद आएंगे आप, आपके रिव्यू मिस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सो अब वक्त आ चुका है दोस्तों कि देखें ऑडियंस का सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है। सुशील गुप्ता जी चाहते थे अंकिता जीते, पर अंकिता जीत नहीं पाई है, इन्हें इस चीज का खेद होगा। मुझे भी अच्छी अच्छी किरदार निभाया उन्होंने। हाय हाय फ्रॉम न्यूयॉर्क, हाय मनु, हाय फ्रॉम न्यूयॉर्क मनु, मुनव्वर इज विनर, यू डिड अ ग्रेट रिव्यूज, कीप इट अप। थैंक यू सना खान, थैंक यू, थैंक यू। मैं भी सुनता हूँ थोड़ा, सारे घर वालों को रुला रहा है बिग बॉस, इतनी आसानी से अपनी किडनी नहीं देगा किसी को, ट्रॉफी में किडनी लगी हुई है बीच में। मोहल्ले की रूह ले जा रहे हो तुम, कह रहा है मेरी मेरी मोहल्ले की रूह जा रही है, एक्चुअली घर खाली रहता है, घर सूना हो जाता है बाद में, बात सही है। इंडिया बेसब्री से इंतजार कर रहा है अभिषेक के पापा ट्रॉफी यहाँ रख के ले जाए, ऐसे बैठा अभिषेक के पापा ट्रॉफी आने दो, सेठ जी बैठते ऐसे, सेठ जी। मोहम्मद अकरम, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। मैड 11, अरे यार बेचारा मुनव्वर कैसे रो रहा है, अभिषेक भी रो रहा है, रो रहे हैं दोनों। काल चक्र पूरा हो रहा है, मतलब टेंशनों से दूर हो रहे हो तुम, अब और नहीं लूंगा मैं तुम्हारी। तुमको एक सुमसान मोहल्ला सौंपा था और अभिषेक ने इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, नॉइस पॉल्यूशन का टैक्स लग चुका है बिग बॉस के ऊपर। कैसे कहना चाह रहे बिग बॉस, तेरे को क्या कहना शो के फाइनल के बारे में, दो कमेंट पढ़ लेता हूँ बता। दो वो जो तू कहना चाहता था वही वही, ओवरऑल सीजन के बारे में क्या कहना है तेरा। Big Boss paid, made everyone believe they are whitewashing Ankita, but actually they are whitewashing. अभिषेक ने माफी मांग ली है, Big Boss मुझे माफ कर देना, कोई भी गलती हुई तो मेरे से। और मुनार भी बोल रहा है Big Boss बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक कह रहा है मेरे लिए बायस थे, वो कह रहा है मेरे लिए बायस थे। शो तो एक्चुअली में इन दोनों ने ही चलाया। True. बिग बॉस जी रुक रुक के बात बोलता है, रुला रहा है लोगों को, बहुत रुलाता है बिग बॉस। बिग बॉस प्लेड, एवरीवन बिलीव दे वेयर व्हाइट वॉशिंग अंकिता, बट एक्चुअली दे वेयर व्हाइट वॉशिंग मन्नारा। मनु भाई वी विल मिस यू, लव अंकिता, मैड 11 LSU, या दैट्स आल्सो अ टैक्टिक, मे बी आपने सही पकड़ा हो इस चीज को। फैंटेसी स्पोर्ट्स विल You interview Munawwar after the show, ask him about his journey and share your input, what BB did wrong with Munawwar. Yeah, definitely we will, definitely we will, definitely we will. Fantasy sports. Zulikha Mirza, thank you for the super chat. अब Big Boss का घर खाली हो चुका है and अब Munawwar और Abhishek Big Boss के घर से बाहर आ रहे हैं tunnel से होते हुए। पहले Big Boss ने पूछा कि कौन जाना चाहते हो, किसको कौन छोड़ेगा tunnel तक, तो दोनों ने बोला साथ चलेंगे। तो घर की सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं, हम दोनों लोग बाहर निकलते हुए, दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है हमारे। गाइस एक्चुअली ये मोमेंट बहुत ज्यादा, मतलब
गंभीर होता है, फट रही होती है देख करके। हमारे यहाँ पर अभी वोटिंग में 61% मुनव्वर है और अभिषेक 39% है। अभिषेक ने ग्राफ ऊपर लिया है अपना, पर फिर भी अभी काफी परसेंटेज दूर मुनव्वर से। खानजादी भी नहीं आई आज, खानजादी तो उसका इंस्टाग्राम हैक हो गया इसलिए नहीं आई, शायद ऐसा कुछ मैंने उनके बारे में पढ़ा था। नो वॉइस, झूठे हम सुन रहे हैं अपने कानों में, झूठे तेरी खुजली नहीं मिटेगी, हमेशा ऐसे लिखने की उल्टा सीधा, नो वॉइस। चलिए अभिषेक एंड मुनव्वर ऑन द फ्लोर गाइस आ चुके हैं। अब एक बार और सलमान सर पूछेंगे, आपको क्या लगला कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा पूछेंगे। इतनी आसानी से ट्रॉफी नहीं देगा बिग बॉस। जुलीखा मिर्जा थैंक यू फॉर द सुपर चैट, दोनों ही बॉस जबरदस्त। चलो हाँ बिल्कुल, अभिषेक जो चाहता था ना वो उसको चीज मिल गई, अभिषेक चाहता था यहाँ तक आना, सो आई एम हैप्पी फॉर हिम कि अभिषेक जो चीज चाहता था वो हुई। अभिषेक यहाँ तक आ गया ना उसके बिचारे के लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब लिटरली अभिषेक चाहता था ये मुकाम और डिजर्व भी करता था, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि लाइक अभिषेक केम हियर। हेलो ठीक है ओके। अभिषेक कह रहा है कि मैं साथ खड़ा हूं, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। इस पे स्टार्ट कर दे यहां थोड़ी देर के, क्योंकि इस पे कॉल आएगा अभी। अभी हमें सेट के अंदर से कॉल आने वाला है दोस्तों, तो हम आपको शायद कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी बताने की। अभी क्या करने वाले हो आप? मैंने क्या कहा सुना तुम्हें? चालू करने के लिए। हाँ चला लेना इस पे। आवाज नहीं। हेलो। ठीक है। चलिए गाइस अभी आपके सामने थोड़ी देर में हम विनर अनाउंस कर देंगे, कुछ सेकंड पहले करने की कोशिश करेंगे। अभी हम विशेष सूत्रों द्वारा किया भी, द विनर इज MC Stan विनर बनते हैं दोस्तों। छोड़ो आप बाकी सब लोगों को, एमसी स्टैन विनर बनते हैं। मन्नारा को जिता दो। The winner is नाम तो लेने दे। तू क्यों बोल रहा है पहले? The winner is and the winner is The winner is एक बार नाम लिया अभिषेक का उन्होंने, चला ना यहां पे यार। मुनव्वर रुकिए स्टार्ट ही नहीं हो रहा क्या? मुनव्वर गाइस, मुनव्वर बन चुका विनर, मुनव्वर जीत गया दोस्तों, मुनव्वर वॉन द ट्रॉफी, मुनव्वर वन द मैच। चलिए फाइनली बैटल खत्म हुई यहां पर। 105 दिन से सोनू कुमावत मुझे झेलते हुए, अपने माँ बाप के पास भी नहीं गए थे, लगातार बैठे थे और मुझे झेल रहे थे। अब फाइनली हमें विनर मिला और अब अपने गाँव जाना चाहेंगे यार। चलिए बट अभिषेक आखिर में सब कुछ अच्छा ही होता है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। अभिषेक ग्रोन अप वेरी वेरी, देखिए मेरी हालत देखिए,
अभिषेक ने एक बार और फिर एक बार अभिषेक ने यहाँ पर ये कहा है स्पेशल मैसेज देते हुए कि हंडे मोटर, ये मुनव्वर के पास जितनी भी गाड़ियां है ना दोस्तों, ये सारी गाड़ियां इसको है ना बाजार से मिली हुई है। मतलब देखिए, पहले एक गाड़ी ले गया था, अभी इसको एक और गाड़ी मिल गई है, सारी गाड़ियां इसको यहीं से मिलती हैं। ये कितनी भी गाड़ियां आप इसको दोगे ना, ये पहले वहां से कोई मारुति की गाड़ी ले गया था, अभी हंडे की गाड़ी ले गया। और देखो मुनव्वर अपनी ट्रॉफी देता हुआ यहाँ पर कि ट्रॉफी तू रख ले यार, क्या बात है। देखो मुनव्वर ने उसको ट्रॉफी ऑफर की अपनी, मुनव्वर बंदा है यार। अभिषेक और मुन्ना से ज्यादा डर मुझे लग रहा है कि किसी के रिव्यू कर लो, पर अब रोज आना प्लीज, प्रॉमिस करो, लेट डू वन थिंग, रोज एक बार फॉर्मर बीबी कंटेस्टेंट को लाओ चैनल पे, प्लीज डोंट डिसअपीयर। प्रियंका, आई हाय प्रियंका, लव यू प्रियंका, आई विल डेफिनेटली गोना ट्राई टू मेक यू हैप्पी एंड मेक माई सेल्फ प्रेजेंट टू फ्रंट ऑफ यू गाइज। एंड हमारे पोल को भी अब यहाँ पे एंड करते हैं, और मुनव्वर फारूकी हमारे पोल पर भी जीत रहे थे, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, और इससे अटैच करके देखना एक बार, इससे अटैच कर ले इसको तो सुन पाएंगे, है ना। सो हियर इज अ विनर, विनर मिल गया, थैंक यू गाइज, आप लोगों ने हमें ज्वाइन करके रखा था, हमें इतना साथ दिया था, लगातार हमसे जुड़े रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ योर्स। आप आए, आपने कई बार मुझे गलत भी बोला, मुझे नो साउंड बोला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे गलत बोला, बायस बोला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। किसी भी तरीके से मुझे तंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर आपने मेरे इंस्टाग्राम को कम ही लोगों ने ज्वाइन किया, हम मुझे मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये सब लोग तो दारू पियेंगे, ठीक है, ये सब लोग दारू पियेंगे, अब पार्टी चलेगी, इनका तो हो गया खत्म। अब आप लोग आइए और अब आप लोग बताइए अपने दिल की बात है। सो फाइनली मुनव्वर फारूकी गॉट वन, जीत गया मुनव्वर, और इतने दिन से जो हम लगे पड़े थे लगातार कि एक सही इंसान को जीत मिले, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर अभिषेक टू कि अभिषेक यहाँ पर टॉप टू में आते हैं। लौंडे मुनव्वर, तूने सहा, तुझे तकलीफ हुई, तुझे परेशानियां दी, क्योंकि टीआरपी भी तू ही लेकर के आ रहा था। सो फाइनली यू गॉट वन, और कर्मा यहीं पे है, तुझे तेरी गलती की सजा मिली, और जो मैडम आज बैठी थी फिनाले में उनको भी मिला सुनने को, राइट। तो आप दोनों का क्लियर हो गया, अब अपनी आने वाली जिंदगी के अंदर आप फिट रहें, मस्त रहें, दुनिया के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, कुछ भी करते हैं सोच समझ के फैसला करें, आपको अपनों ने जिताया है, अपनों से प्यार करें। एंड नाउ यू आर अ विनर ऑफ वन मोर शो, एक और बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल शो के विनर बनते हो मुनव्वर। टू लाइक हम जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जो लगातार मेहनत करते हैं, इस पर निकाल के देते हैं मुझे वापस कॉमेंट वाला सेक्शन, जो हम लगातार मेहनत करते हैं, लगातार लोगों के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, रिव्यूज कर रहे होते हैं, इसके अच्छे बुरे सारी तरह की चीजें देखनी पड़ती हैं, बट मजा आया मुझे मुनव्वर फारूकी की जीत को देख करके। अभिषेक और मुन्ना से ये तो पढ़ लिया था मैंने। प्रज्ञा, थैंक यू फॉर द सुपर चैट, वन मैन आर्मी, मुनव्वर जीत गया। आई एम क्रेजी फॉर नरुटो, भाई मैं सच बोल रहा हूं कि अगर ट्रॉफी मिल भी जाए तो मुनव्वर क्या खुश रहेगा, बट अभी तो मुझे भी मुश्किल खुशी मिली है, वो तो खुश ही होगा। अरे डेफिनेटली आपने बहुत बाय हार्ट कमेंट किया, कहाँ से हैं आप? आई एम क्रेजी फॉर नोरेटो, आप बहुत बहुत बाय हार्ट फीलिंग कह रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली कहना यह चाहा है आपको कि ठीक है उसको ट्रॉफी मिल गई, दैट्स गुड कि उसको ट्रॉफी हासिल हो गई, बट क्या वो दिल से बेचारा उतना खुश होगा इस ट्रॉफी को पा करके? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रॉफी को पाके वो डेफिनेटली खुश होगा। बिकॉज क्या होता है ना, सब आपको जब लोग बुरा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, आप लगातार एक मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज पे जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है इतना ओबीडेंट, इतना तमीज से, इतना तरीके से मुनव्वर फारूकी अमूमन जिंदगी में बात कर लेता होगा क्या लोगों से, जब उसकी रह गया इंसल्ट करते होंगे? तो उसने एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने की फी दी है कि यहाँ पर मैं आपके यहाँ पढ़ने के लिए आया, एंड फाइनली आई गॉट अ रिजल्ट बाय द ट्रॉफी। उसको ट्रॉफी मिलने से उसको वो सब कुछ मिल गया, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इस बात को मानो तो, अभिषेक एंड मुनव्वर दे बोथ आर इक्वलेंट विनर, क्योंकि अभिषेक को इधर तक आना ही उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज फ्रॉम द डे वन एवरीबडी वॉज जजिंग मुनव्वर के, और एवरीबडी वॉज जजिंग अभिषेक के, अभिषेक फेक है, रियल नहीं है, कॉपी है, रिप्लिका है, फिर उसके ऊपर इतने अटैक्स करना, बिग बॉस के भी, बेकर्स के भी, सलमान सर ने भी उसको इतना सब कुछ बोला, ईशा का, समर्थ का ह्यूमिलिएट करना, उसका हाथ उठ जाना, इतनी पोकिंग होना, तो उसने भी जो बहुत बहुत सारा जो उसने फेस किया है ना, उसको यहाँ पे उसका रिटर्न मिलता है एक तरीके से, नहीं? तो यहाँ पर उसका टॉप टू में आना एक विनर की तरह ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो नोबडी विल लाइक डिसअपॉइंट हिम और हरसेल्फ के लाइक हमारा बंदा यहाँ पे जीता नहीं, आपका वाला बंदा भी जीता है, आप इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस फर्क इतना सा है आप रिजल्ट को देख रहे हैं। मनबीर, हैप्पी बर्थडे मुन्ना एंड गॉड ब्लेस यू अभी एंड
मन्नू भाई गॉड ब्लेस, थैंक यू मनबीर, टोटली फेयर रिजल्ट आया, टोटली फेयर रिजल्ट आया, मजा आ गया, वर्थ इट. एंड आई टोल्ड किरण पाल अंकिता टू टॉप थ्री नहीं आएगी. हाँ बोलना उर्वशी, मैं लाइव पे हूँ एक्चुअली. अंकिता तो टॉप थ्री नहीं आएगी. सो हाँ बिल्कुल, आपने कहा था, पहले ही कहा था ये चीज, पर ऐसा हुआ कि वो टॉप थ्री में तो नहीं आई बिल्कुल. सताक्षी, सताक्षी थैंक यू फॉर द सुपर चैट. बैचलर इंसान थैंक यू फॉर द सुपर चैट. हड्डी वाले डॉक्टर अली असगर साहब, मनु लव यू, फिर मिलेंगे अगले सीजन में, डेफिनेटली मिलेंगे साहब. लेकिन हम लोग अगर कुछ वीडियोस वगैरह डालें, कुछ नोटिफिकेशंस डालें, तो उन पर आकर के क्लिक कीजिएगा, लाइक करके बिना चले जाइएगा, लेकिन देख लीजिएगा कॉन्टेंट क्या है. भाई मैं दिल से जीत गया, मुन्ना जीता, क्या बात है सिमरन जी. बहुत सारे लोगों के परिश्रम, बहुत सारे लोगों की कंटिन्यूसली मेहनत अगर आज रंग लाई है तो सबको बहुत अच्छा लगा होगा. एक एक विश आपका सबका कमेंट में बनता है तो कीजिए यहाँ पे विश. रिजल्ट आ गया मनु भाई, ट्रॉफी आ गई डोंगरी. गुन्निधि दांग, गुन्निधि दांग बिल्कुल डेफिनेटली आ गई. इंजीनियर जावेद अंसारी, आपको दिल से सलाम मनु भाई, आपको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास. आपने जो मुनव्वर भाई का ऑडियो डाला है आज, दिल खुश हो गया सुन के, लव यू सो मच. और भाई आपको दिल से सलाम, थैंक यू जावेद साहब. जावेद साहब अगर एडवांटेज या फिर कुछ ऐसा लेना होता तो मैं उसको पहले डालता, बट मैंने आज सर्व इसलिए डाला बिकॉज वोटिंग्स भी बंद हो चुकी थी, सारी बातें खत्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा अब इस चीज को डालते हैं कि मैं क्यों इस वॉर में नहीं पढ़ रहा कास्टिज्म एंड ऑल दीज थिंग्स में, बिकॉज बनता भी नहीं एक तो पढ़ना, और मैं पढ़ना चाहता भी नहीं हूं. तो जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस के मैं क्यों उस बंदे को थोड़ा समझता हूं, मैंने आपको वो बताना चाहता. मनु भाई यू आर द बेस्ट. और उस दिन भी मैं मुनव्वर का कॉल पिक नहीं कर पाया था, तो कॉल नहीं उठा पाया तो उसने ये टेक्स्ट डाला. आपको पता है मैंने मुनव्वर की एक बार ना रैंडम ऐसे ही, मुझे उसका कोई गाना दिखा, मैंने उसकी स्टोरी डाल दी थी, तो उसने उसकी उस स्टोरी पर भी मुझे आंसर करके ये कहा था कि मनु भाई थैंक यू यार, आपने मेरे गाने को इस्तेमाल किया. ही इज दैट मच डाउन टू अर्थ गाय. और वो भी मैं आपको प्रूफ देता हूँ स्टोरी के अंदर से, मैसेजेस में से मुनव्वर का वो निकालता हूँ इंस्टाग्राम में से. मनु भाई यू आर द बेस्ट, आई हैव बीन वॉचिंग यू फ्रॉम सीजन 13, यू नेवर रीड माई कॉमेंट टूडे, आई वॉन्ट यू टू रीड माई मैसेज, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, सानी गुल. थैंक यू सानी गुल एंड सॉरी सानी गुल, दोनों चीजों के लिए मुझे माफ कर दो अगर मेरे से कभी गलती हुई हो तो, क्योंकि हम कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि किसी का भी कॉमेंट जाए, पर अगर चला जाता है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी. कुशल शाह, मनु भाई बिग बॉस खत्म हो गया, अब आपके वीडियो देखना चाहते हैं हम. कुशल आपको डेफिनेटली मेरे वीडियोस मिलेंगे लगातार देखने के लिए, डोंट वरी. मैं यहाँ पर आपको ऑडियो सुनाने की कोशिश करता हूँ. आवाज बाहर के साथ ही. मैं जब बहुत वक्त से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए, कभी मुंबई आओगे भाई, आना होगा कभी मुंबई. ये वाला नहीं है, यहाँ पे है एक ऑडियो, मैं वो ऑडियो सुनाता हूँ एक सेकंड. हमें तो लूट लिया, पहले अपना काम कर लेते हैं. ये हार्ट वॉन, लव्ड योर रिव्यूज मनु, यू हैव बीन जनता की आवाज. आई बिग टाइम फैन ऑफ बीबी, सारे सीजन देखे हैं, पर अब ऐसा लगता है कि हर सीजन आपके रिव्यू के बिना इनकम्प्लीट लगेगा. कीप इट अप ब्रो. अंतिमा, अंतिमा खंडेलवाल, थैंक यू अंतिमा, लव यू अंतिमा, बहुत ही खूबसूरत कॉमेंट था यार. क्या रिलीजन मैटर क्या, अरे महेश भाई कुछ नहीं, मत कूदे, हम रिलीजन मैटर पे बात नहीं करना चाहते, हम यही बोल रहे हैं बस, तो आप भी मत कीजिए, मतलब आप नहीं कर रहे थे वैसे. विल मिस यू ब्रो मुनव्वर विन, और विस्लिंग वाली इन्होंने इमोजी डाली है. सताक्षी, या सताक्षी डेफिनेटली डेफिनेटली. नीला मोनी एंड थैंक यू, मैं कोशिश करूंगा आपसे जुड़े रहने की, आप सब लोगों को. और आप में से कोई भी अगर एक्ट करना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, तो आप मेरे, मैं मनु हूं @gmail.com पे मेल कर सकते हैं. किसी भी तरह की कोई स्क्रिप्ट हो, एक्टिंग हो, रियलिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो प्लीज बताइएगा. हाँ थैंक यू मनु भाई फॉर ऑलवेज बीइंग रियल एंड अनबायस्ड एंड बीइंग देयर फॉर मुनव्वर अवर वॉरियर. नीला मोनी, थैंक यू नीला मोनी. और मैं मेरे हिस्से की कोशिश करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. फाइनली गॉट इट, उसने इतनी शिद्दत से ट्रॉफी को चाहा कि बिग बॉस भी रोक नहीं पाए. फैंस की तरफ से हैप्पी बर्थडे गिफ्ट था मुनव्वर के लिए. शेरिश आर शर्मा, या शेरिश डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से गिफ्ट था और उसको मिला, एंड दैट वाज अ ग्रेट 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 मोमेंट. आई मस्ट से कि ये बहुत बहुत बड़ी और अच्छी जीत थी उसके लिए. बिल्कुल 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 बिल्कुल.
मनु भाई मुन्ना को मिलो तो बताना हड्डी वाला डॉक्टर बिग फैन। अली असगर साहब डेफिनेटली बताऊंगा, लाइव पे लेके आऊंगा, आप खुद बता देना। राधिका एस्ट्रोलॉजर्स का मोए मोए हो गया, होता भी है, अक्सर होता है वो तो राधिका। नदीम खान थैंक यू फॉर द सुपर चैट, कर दिया MKJW ने कांग्रेस ट्रॉफी तो डोंगरी ही आएगी, डेफिनेटली हैप्पीनेस टू यू टू 6-7 आ गई ट्रॉफी। अरबाज थैंक यू सर, जब से मुन्ना भाई बीबी गए हैं तब से आपको देख रहा हूं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट करने के लिए, ट्रॉफी डोंगरी आ गई, पहले ट्रॉफी डोंगरी आनी थी अब आ गई बोलिए, बिल्कुल सही बात है। रोहन बंसल, मनु भाई बिना किसी के सपोर्ट के टक्कर दे के सबको उनकी औकात दिखा दी, अभिषेक ने ये कहना चाहते हैं रोहन। हाँ रोहन डेफिनेटली डिड ग्रेट, आई मस्ट से डिड ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। हक से मुनव्वर फारूकी आइकॉनिक विनर, मुनव्वर मुनव्वर शाइनिंग विथ डिग्निटी, मुनव्वर ट्रॉफी का हकदार। मनगत सिंह, या मनगत सिंह डेफिनेटली ही वाज ही इज अ ट्रॉफी का हकदार एंड ही डिजर्व द ट्रॉफी। मनु भाई आपके रिव्यू देखने के बाद लगता है कि बीबी का एपिसोड देखा है, थैंक यू भाई, कभी उदयपुर आना हो तो जरूर बताना, अपडेट कीजिएगा, वी विल मिस यू। सोहेल अहमद खान डेफिनेटली साहब जब भी आता हूँ, खूबसूरत जगह है, तभी आप वहां से खूबसूरत इंसान है, जब भी आता हूँ आपको जरूर इत्तला करूंगा। हवा में उड़ उड़ गट्टा में उड़ उड़ गद्दा में उड़, हाँ ये मनु पंजाबी। करण कुंद्रा मुनव्वर आप लोगों में बात को रोकने का एक ढंग रखने का एक ढंग है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, आप लोग ब्रेनी हो जिसे देखना मुझे बहुत पसंद है, आई एम क्रेजी फॉर नाउटो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। चीजों को रखने आना भी चाहिए, तरीका सहलियत तमीज ये सारी चीजें होनी चाहिए ना, बट थैंक यू आपने कॉम्प्लीमेंट किया उसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। कहां से हैं आप, मैंने आपसे पहले पूछा था, अभी फिर पूछ रहा हूँ। गरिमा Will miss meeting you every day, Manu. I know you now. I know will sound rude, but I danced when Ankita was evicted. Oh, Gariba, mic drop. अच्छा ऐसा भी क्यों बताओगी? Zainab Headloom, Manu भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुनव्वर भाई, आई लव मुनव्वर भाई, या क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका हैप्पी फॉर मुन्ना, ऑल फिनाले वीक पीपल आर विनर ऑन स्क्रीन टाइम, डेफिनेटली डेफिनेटली, बस सबको काम मिले अच्छे से, बाकी शो और शो के विनर मटेरियल बदल गए हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। रोहन बंसल डिलीटेड अ कॉमेंट, क्या लिखा था भाई ऐसा तूने रोहन? थैंक यू मनु भाई, इट्स ग्रेट, इट्स बीन ग्रेट जर्नी आफ्टर 6 ईयर, आई एम वॉचिंग बीबी बिकॉज ऑफ मुनव्वर, कांग्रेस मुन्ना, एंड अगेन थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। सम्मन, क्या बात है सम्मन साहब, थैंक यू फॉर दिस कॉमेंट। सम्मन को देखो, सम्मन कहाँ है, सम्मन ओके। एंड साउथ शेख थैंक यू फॉर द सुपर चैट। शेख वसीम, मनु भाई बिग बॉस से ज्यादा आपका रिव्यू देखने में मजा आया, मेरे बेटे अरहम आपको हेलो बोल रहा है, थैंक यू मनु भाई। अरहम कैसे हो आप, पापा का ख्याल रखो, अम्मी का ख्याल रखो, खूब पढ़ाई में ध्यान दो और तरक्की करो, खूब सारी तरक्की करो, बड़े होकर रॉकेट और प्लेन उड़ाओ देश के लिए। मेरा नाम दिखता नहीं था, लव यू डॉक्टर पल्लवी ब्रेन वाइज। अरे पल्लवी जी डॉक्टर हैं आप, पल्लवी जी। एम डी इकराम खान थैंक यू फॉर द सुपर चैट। अनुषा शेट्टी, मनु जी यू आर द मोस्ट अनबायस्ड एंड एंटरटेनिंग रिव्यूअर आउट देयर, सो हैप्पी टू सी मुन्ना विन, ही इज अ जेम ऑफ पर्सन, एंड आज उसका अपना बर्थडे गिफ्ट मिल गया, आई एम श्योर अभिषेक विल ऑल्सो हैव अ ब्राइट फ्यूचर, डेफिनेटली डेफिनेटली अनुषा हम यही प्रार्थना करेंगे, एंड थैंक यू फॉर योर कमिंग टू माई चैनल, थैंक यू। सो मनु भाई आपका बहुत अच्छा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वर की जीत में आपकी भी बहुत मेहनत है, बहुत मिस करेंगे, दिल से बहुत दुआ है आपको, थैंक यू। सोहेब साहब ये वाला स्क्रीनशॉट ले मुनव्वर को दिखा करके, इससे पकड़ के जल्दी ले आएंगे यहाँ पे, ले ले उसका स्क्रीनशॉट, ऐसे लेते हैं मुनव्वर को पकड़ के रखो, आया ही नहीं मेरे से तो, ले तू ले कैसे लेता, तीन उंगली से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सोहेब तुम्हारा, मुनव्वर को अंडर प्रेशर में लेके आएंगे ना, आ भैया लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हमने तेरे लिए इतना कुछ किया था, इतनी खुशी जितनी खुशी क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। कपिल शर्मा, क्या बात है कपिल शर्मा साहब, वेरी गुड वेरी गुड।
हंटर मनु भाई, मेरे पास एक कॉमिक थ्रिलर स्टोरी है, मैं ब्लॉगर हूँ इसीलिए ऐसा कुछ लिखता भी हूँ, आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी, नियर बाय वन आर की स्टोरी है। हंटर आप मुझे, मैं मनु हूँ @gmail.com पे भेजिए। नाजिम, नाजिम मुन्ना से तरफ से सबको थैंक यू, मुन्ना की तरफ से सबको थैंक यू, एंड मुन्ना दिल एंड मुन्ना दिल से भी शानदार आदमी है, क्या बात है, क्या बात है नाजिम साहब, नाजिम नाजिम। मैड 11 LSU, आई हैव बिकम योर फैन फॉर लाइफ प्रिया, थैंक यू प्रिया, लव यू प्रिया, ब्यूटीफुल कॉमेंट प्रिया, अच्छा लगता है ऐसे कॉमेंट्स को लेकर के। सेमी फॉर यू, हर किसी ने फेंका पत्थर तुझे, हर किसी ने फेंका पत्थर तुझे, मिली हर गाली से तुझको सितम है, मुनव्वर जहां भी खड़े हो जाओगे कहानी वहीं पे खत्म है, क्या बात है सेमी मिया, गजब गजब। सेमी सेमी पकड़ो, कहां गया सेमी, सेमी को पकड़ो, सेमी 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 सेमी, ये सेमी मिल गया, सेमी पकड़ लिया। राघव राय, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, विश यू मनु भाई, भैया प्लीज सपोर्ट टू मनु भाई। राघव, थैंक यू राघव, थैंक यू राघव फॉर द ग्रेट कमेंट, अलग गेम दिखा दी हक से। जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, अच्छा तूने आगे लिख दिया, जी फॉर पूछ के छोड़ता, लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं इस पे। प्रियंका, मनु जयपुर मीटअप करो यार, आई वांट टू मीट यू, मुनव्वर जी और डॉक्टर साहब के अलावा भी लोग हैं आपके फैन, फायर जेलर्स अपनी थार पे ही आना आप, क्या बात है, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं प्रियंका जी, आप मुझे इनबॉक्स कीजिए प्रियंका जी, इंस्टा पे डीएम कीजिए, डॉक्टर नीलूफर थैंक यू फॉर द सुपर चैट। असद भाई, मनु भाई आज तो दिल खुश हो गया, टॉप टू में अभी और मुनव्वर एंड लास्ट विनर बीबी ट्रॉफी, वॉइस मेल शानदार था और सही टाइम पे, बेस्ट विशेस ब्रो असद, थैंक यू असद, असद थैंक यू, एंड हम टाइम पर ही काम करने वाले लोग हैं, लव यू मनु भाई। मेरी बेटी का नाम लेना अरुबा, और आई हैव सीन 2 seasons 13 and 17, आप बहुत अच्छे लगते हो, मी एंड माई फैमिली आर रियली वेरी हैप्पी, आपसे मिलना चाहते हैं, एंड थैंक यू, थैंक यू रिजवान अली साहब, थैंक यू। एंड अबुरा बेटा कैसे हो आप, कैसी चल रही है पढ़ाई एंड ऑल, और पापा मम्मी को ज्यादा तंग थोड़ी करती हो तुम, वैसे लड़कियों का हक बनता करने का, बहुत सारी डिमांड्स रखो, बहुत सारी डिमांड रखो पापा के सामने। सर दिस सुपर चैट इज ओनली फॉर योर बीबी, एवरी ऑनेस्ट, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट, विदाउट योर रिव्यू बीबी इनकम्प्लीट लाइफ में, और आगे बढ़ते रहो, गॉड गिव्स यू एवरीथिंग। एस्ट्रो वंदना झा, थैंक यू एस्ट्रो वंदना जी, थैंक यू, हमारा हाथ देखो, और अब हम आपके वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, हमें दुआएं दो, हमें बहुत सारी दुआएं दो। सना कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आपके साथ वहां बहुत खुश लग रहा है, आपके साथ वाला बहुत खुश लग रहा है, अच्छा देखो हम दोनों फोटो देखो, हम जुड़वा माँ के बच्चे लग रहे हैं ना, जुड़वा माँ के बच्चे नहीं, जुड़वा बच्चे लग रहे हैं ना माँ के, अच्छा ये खुश बहुत होता है भाई, इसको कुछ करना नहीं पड़ रहा ना अभी, इसलिए खुश है ये। मनु भाई किरण पाल कहाँ है आज, उसको बुलाओ, उसकी पहचान कम नहीं आई आज, काम नहीं आई। रोहन बल्सन मुझे लग रहा है थोड़ा ऐसे इसे कहो मत, उसको अकेले में बैठ के कड़क कड़क पैक चल रहे होंगे, नीट नीट। श्री शार शर्मा, अंकिता वॉज सुपर कॉन्फिडेंट इन वो टॉप थ्री में होगी, हाँ श्रीश ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, उसका कॉन्फिडेंट बहुत जबरदस्त लग रहा है, पर हुआ नहीं उसके साथ। जस्टिन एडवर्ड थैंक यू फॉर द सुपर चैट। मंगत सिंह, मनु वीरे आई वॉज बैंक मैनेजर इन पीलीबंगा, नाउ इन श्री गंगानगर, आपका पीलीबंगा नाल की रिलेशन है, दसोगे? पीलीबंगा दे विच मंगत जी, मैनू देखो राइट नाउ तो कुछ याद नहीं आ रहा, पर तुसी दसो की होया, मतलब कोई मिलिया मेरा पछाणदा तुहानू, अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज बताइए, अगर कोई मेरे से मेरा पहचानने वाला आपको मिला हो तो। राइसा कॉन्ग्रेचुलेशंस मुनव्वर, बट वेल डन अभिषेक, दीज टू पीपल डिजर्व टॉप टू, अभी डिजर्व्स टू रीच टॉप टू, आई एम हैप्पी फ्रॉम यूएसए, विल मिस यू मनु योर रिव्यू। राइसा, राइसा विल मिस यू टू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव। गरिमा,
देयर आर टू गरिमा कमेंटिंग यू, आई एम यूएस वाली गरिमा एंड आई डांस्ड विद व्हेन अंकिता वाज इविक्टेड बिकॉज लास्ट तक लग रहा था बीबी अपने मतलब से इरिटेटिंग नेगेटिव करेक्टर को विनर ना बना दें. ओके गरिमा द डांसर, आपका नाम आज से गरिमा द डांसर. ओके ओके गरिमा, थैंक यू गरिमा. एंड तुम नाच क्यों रही थी उसके बारे में बताओ, क्यों तुम चाहती थी बिग बॉस उसको नहीं जीता, तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी उससे? मनु भाई आप हमेशा ईमानदार रहे हो, जो मुनव्वर ने सहा है घर में इनमें से कोई भी और होता तो खत्म हो जाता, शो छोड़कर भाग जाता, सो गिर कर भी खड़ा होने वाले को विनर कहते हैं, उसे मुनव्वर फारूकी कहते हैं. फहीम अख्तर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, थैंक यू मेरी ईमानदारी को परखने के लिए. तुम एक ईमानदार आदमी हो तभी परख पाए हो और समझ पाए हो. सलमान खान सर ने मुन्ना को बोला सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, हैप्पी फॉर मुनव्वर. डेफिनेटली प्ले विद धैर्य, बोलना भी चाहिए था उसको बिकॉज वो बेचारा टूटा टूटा सा हमेशा ऐसे करता है. एश एक्स दर थैंक यू फॉर द सुपर चैट. डीएम बाय विनीत, ब्रो वी विल मिस यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू मुन्ना, इट्स माय जॉब, हु इज राइट, मैं उसको फॉलो करूंगा. सानिया बट थैंक यू टू यू टू सानिया, यू आर मनु यू आर अ वेरी इंसाइटफुल पर्सन, ओ माय गॉड, एंड यू आर अ ग्रेट एट रीडिंग पीपल. You know Munna will win and it happened. Will miss you watching. Sania ji, thank you Sania ji. And हम कुछ करते रहेंगे जो आपको दिखते रहे, but आप support continue कीजिएगा आप लोग. भाई मैं भोपाल से हूँ और मनु भाई आपके बोलने का तरीका और आपकी बात रखने का जज्बा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अभिषेक well done. I am so happy that Munawwar won. I am crazy from Naruto. ये कहना चाहते हैं तो नारुतो ये कहना चाहते हैं कि ये भोपाल से है और भोपाल एक बहुत खूबसूरत जगह है गाइस. आपको जब भी मौका मिले आप प्लीज एक बार विजिट कीजिए, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं वो तो आप इन्हें देख के पहचान ही रहे हैं. नाजिम क्या करते हैं आप, आई एम क्रेजी फॉर क्या करते हैं आप? मनु भाई आपसे हमेशा पॉजिटिव कुछ सीखने को मिलता है. नाजिम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कोशिश भी यही करता हूँ. द रियल किंग रोर एट द एंड, ओ एश एक्स दर दर क्या बात है. डॉक्टर नीलूफर हसन, हेलो मनु भाई, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, ऑलवेज वेटिंग फॉर योर रिव्यू आफ्टर बिग बॉस शो, वी विल मिस यू, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी एंड माय हस्बैंड. आपका जोड़ा सलामत रहे, इसी तरह से आप लोग साथ में ही मेरा शो देखें, कभी भी कंट्रोवर्सी नाम की चिड़िया तुम्हारे बीच में ना आए वरना मेरा शो डिस्टर्ब होगा ना, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता. तो हम अपनी प्रेयर्स में ये भी कहेंगे आप लोगों के लिए, हमेशा कहेंगे हम ये. Happy birthday and congratulations to Munawwar. I am sure he will fix his personal life and Allah gave him a lots of happiness. Hopefully he comes on your channel and experiences all the love and support he had on this channel for almost 4 months. Oh, Shahrukh Khan iski wo screenshot lo Munawwar ko dikhana. थैंक यू ऐसी बातें करें आप. मुनव्वर को अपन को दबा के लाना है यहाँ पे अंडर प्रेशर में, देख तूने हमारे साथ हमने तेरे लिए क्या क्या किया था, हम पकड़ के लाएंगे लोगों को. अभिषेक के लिए भी लिखे, रोज आपका रिव्यू देखती थी, कल से याद आएगी. मुनव्वर एंड अभिषेक दोनों ही डिजर्विंग है. आई विश अभिषेक विनर होता बट मुनव्वर जीता तो भी अच्छा है, बर्थडे का बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया. ऊपर वाला सब देख रहा है ना, and he also did very well. Like Abhishek ne bhi bahut acha kiya. Thank you Manu bhai for your reviews. I was always watching your reviews from Sydney. Oh, bahar gaon ka aadmi hai, isko namaste karo. Tafzal sahab hamari taraf se aapko namaste hai, aap bahut dur se hain, humko acha laga, bahar ke log bhi dekh rahe hain. Loved your decoding of BB episode, your reviews was a medicine after BB toxicity. Keep your reviews comments on reality shows coming. क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू. आपके कमेंट को हमने पसंद भी कर लिया है. बाहर गांव के लोगों को बिना देखे कमेंट पसंद कर लो, छोटी मोटी काली माफ है इनकी, है ना, ध्यान रखना. पूजा सिंह, किरण पाल जी को नमस्ते, आज कहाँ चले गए वो दो टू ब्रोज, वेयर इन द टॉप टू डोंगरी या पंजाब, बोथ वेयर हैप्पी टू ईच अदर के लाइक, जिसको भी ट्रॉफी मिली मिलते हैं अपनी कहानी से दिल से. पूजा सिंह क्या बात है, पूजा सिंह बिल्कुल ठीक बोल रही है, वो थोड़ा उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम चल रहा है, थोड़ा ही थोड़ा जुखाम वुखाम हो गया. किरण पाल जी आज आए नहीं, आज बैठे नहीं महफिल में, वो
वी आर गोइंग टू मिस यू. उन्होंने तो ये तक कहा था मैं उनको गांव से जानता हूँ कितने पैसे वाले एंड ऑल. यू आर अ गुड ह्यूमन बींग एंड सेंसेबल पर्सन. गाय लाइक यू वेयर नीड अवर सोसाइटी. थैंक यू. अरे समवन थैंक यू फॉर द ग्रेट कॉमेंट. और आप भी वही लोग हैं क्योंकि एक अच्छे इंसान को ही तो दूसरा अच्छा इंसान पहचान रहा होता है ना. तो यू आर सेम लाइक मी. सताक्षी गर्ग, भाई आज भी अंकिता की सास बोली जीत के विक्की को निकल गया. अंकिता का फेस देखने लायक था. आंटी तो गई अब. लव योर हार्ड वर्क. मिस विल मिस योर रिव्यू. सताक्षी मैं सच बता रहा हूँ थोड़े दिन सोना चाहता हूँ. हाय मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें तो रोज रात को लाल लिपस्टिक लगा करके कहीं खड़ा हो जाता हूँ जाकर के मतलब लाइटों के बीच में कि अब आने वाले थोड़ी देर में मेरी चाहने वाले. इट वॉज लाइक दैट ओनली. होप यू अंडरस्टैंड एंड डोंट टेक इट अदरवाइज. बट लेट मी टेल यू तीखी तीखी लाइटों ने मुझे क्या कर दिया. मेरे साथ में गर्म लग रहा है मुझे. अंकिता पहले मुनव्वर से क्या लगता है आपको. अंकिता पहले मन्नारा से क्या लगता है आपको. एंड मनु भाई विल मिस करना स्टार्ट भी हो चुके हैं. टाइम निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा. आज आया आपसे मिलने आया. याद भी हूं मैं. ये मुझे क्यों नहीं याद हो. तुम बहुत अच्छे से याद हो. और वोटिंग बेस पे सारे रिजल्ट निकले बेटा. तो वोटिंग बेस पर यहाँ पर बार हो रही थी अंकिता जी पहले ही. तो अच्छा हुआ बिग बॉस ने वही चीज की. हालांकि मन्नारा की छवि बनाने में सारा बिग बॉस का आता है ये भी आप कह सकते हैं. सेमी फॉर यू. दिस वॉज फर्स्ट कॉमेंट वॉचिंग योर रिव्यू मनु भाई. एंड ट्रस्ट मी आई लव्ड इट अलॉट. आई एम ऑल्सो अ पोएट एंड वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स मुनव्वर. थैंक यू. क्या बात है सेमी साहब. बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पर आए सेमी साहब. Manu, you are a very insightful person and you are great at reading people. We know Munna will win and you know Munna will win and it happened. Will miss watching you. Achha, thank you, Sania ji. Ye comment humne padha tha, dobara aaya hamare paas, hai na? Ye jordar tamacha hai un logon ko jo muh pe, jo bina kisi ki personal life ke baare mein jaane unke baare mein धर्म मजहब को देखकर जज करने लगते हैं. नेगेटिविटी फैलाते हैं. थैंक यू इंडिया. हम सर्कुलर हैं. अरहा गॉसिप. क्या बात है अरहा गॉसिप. बहुत ही शानदार कमेंट था आपका. सावन पटेल, बनु भाई कल से आपकी आवाज और आपकी रिव्यू को मिस करेंगे. भाई आप मूवी के भी रिव्यू करना स्टार्ट कर दो. आप हमसे जुड़े रहो डेली. कॉन्ग्रेचुलेशंस मुनव्वर जीत गया. आई एम फ्रॉम गुजरात बड़ौदा. सावन सावन साहब डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे. दोस्तों हमारे बीच में शैला रशीद जी आ चुकी हैं और एकदम से जा चुकी हैं क्योंकि हाथ हिल गया था मेरा हाथ हिल गया. शैला जी मिल गई. शैला जी शैला आइस पाइस. यही इससे ऊपर का पढ़ना है ना. ऊपर पढ़ना ठीक है. ओके शैला रशीद कॉन्ग्रेचुलेशन टू मुनव्वर बट रियली वॉन्टेड अभिषेक टू विन बोथ बट बोथ डिजर्वड इट. शैला रशीद यार शैला जी बिल्कुल. शैला जी कैसी हैं आप. ऑल गुड. सागर, मनु भाई आपने समय समय पे मेकर्स को एक्सपोज किया. यू टू कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट इन मुन्नाज विन. ओ सागर तुम्हारा कमेंट भी हमने ले लिया है. लो अंडर प्रेशर में लेकर आओ. अंडर प्रेशर में लेकर आओ मुनव्वर को. सारे ऐसे कमेंट आने चाहिए. रैनी स्वामी, बीबी इज इनकम्प्लीट विदाउट यू मनु. सैड लग रहा है. रैनी ऐसे मत कर तू. रेडी थोड़ी हिम्मत रख. तू रख थोड़ी मैं रखूंगा तभी तो अपन दोनों मिलकर चल पाएंगे दुनिया में. थोड़ी तू हिम्मत रख थोड़ी मैं रखूंगा. पानी पिलाओ मुझे. उसको बोलो आवाज लगाओ लड़की को. गुड़िया बेटा पानी पिलाओ. मुबारक हो मनु. अपना मुन्ना जीत गया. अभिषेक जीता तो इतनी खुशी. अभिषेक जीतता तो भी इतनी ही खुशी होती. नजमा शेख क्या बात है. नजमा शेख वेरी गुड ब्यूटीफुल कॉमेंट. दीपा मोटवानी आ चुकी है हमारे बीच में. दोस्तों हैप्पी फॉर मुन्ना. वी विल मिस योर रिव्यू. आपके पीओवी अलग पर परफेक्ट होते हैं. अलग होते हैं थोड़े. हाँ थोड़े उथल पुथल होते हैं. थोड़ा अलग चले जाते हैं हम. थोड़ा इधर इधर उधर तक चले जाते हैं. दीपा मैं समझ रहा हूँ तेरी बात. आप बहुत टैलेंटेड हैं. थैंक यू दीपा थैंक यू. आई विल सेंड यू माई स्टोरी. जिस स्टोरी जिससे शायद गर्ल्स को कुछ सीख पाएंगी. क्या बात है दीपा जी. आप प्लीज भेजिए अपनी स्टोरी. अगर लड़कियों को सीखने को कुछ मिलता है तो इससे बेहतरीन और क्या बात है. शैला रशीद जी, मनु जी प्लीज डू कंटिन्यू विथ योर रिव्यूज विथ अदर टॉपिक्स. स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर 3 months एंड देन वी डोंट सी यू. विल मिस यू टिल नेक्स्ट अक्टूबर. अरे शैला रशीद जी मैं एक दो चीजें और भी करता हूं पर मैं आपकी बार आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा. 29 तारीख को मैं एकता कपूर की सीरीज का
सीजन टू हनी ट्रैप का करने जा रहा हूँ, सीजन वन भी मैंने किया था, सीजन टू करने जा रहा हूँ, फिर कुछ गाने भी हैं पंजाब में, बस वहां से फ्री होती वो करने के लिए जाऊंगा, जुड़ा रहूंगा आपके साथ पक्का। हार्दिक केम छो मनु भाई, आम मजा मत, आप बताओ कैसे हो, अपने दो फेवरेट में से ही कोई जीता, आई एम 100% श्योर मेकर्स डेली आपका रिव्यू देखते हैं एंड थैंक यू मेकर्स पर इतना प्रेशर बनाने के लिए जनता की तरफ से, कीप डूइंग ग्रेट वर्क। क्या बात है हार्दिक, ये वाले मैसेज से मुनव्वर को फंसा लेंगे, पक्का फंसा लेंगे। थैंक यू प्रियंका। आज सोनू भाई आपसे स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, मनु सर डीएम बहुत बार कर दिया एक साल से, थानू टाइम नहीं मिल रहा पढ़न वास्ते। अरे प्रियंका मैनू मतलब मुझे टाइम मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा होगा, बट हाँ जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए सॉरी, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके डीएम्स पढ़ने की, कल हम सारे डीएम्स पढ़ते हैं। मैं मनु पंजाबी M3 पर आप कर रहे हैं क्या? सोहेर थैंक यू मनु भाई फॉर कीपिंग अस एंटरटेन एंड योर फॉर योर हार्ड वर्क टुडे आई एम डिस्कस्ड दिस टबिंग मिठाई फॉर मुनव्वर, डिस्ट्रीब्यूटिंग मिठाई फॉर मुनव्वर, दिल से खुश हो गया। अच्छा सोहेर ये लिख रहे हैं कि इन्होंने आज मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की है, इतना खुश हुए मुनव्वर के लिए, क्या बात है भाई क्या बात है। ये वाले कॉमेंट से भी मुनव्वर को प्रेशर मिल जाते हैं, ठीक है थैंक यू, बहुत अच्छा कॉमेंट था आपका। सुहेब मनु भाई आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आप बिना किसी से डर के सच का साथ देते हैं, बहुत अमेजिंग हो आप, एक बार प्लीज मेरे नेफ्यू जिदान के लिए जॉन बनेगा डॉन कर दीजिए प्लीज। रुक जाकर के मुझे एंड में याद दिलाइयो। सुहेब साहब एंड में करते हैं, टॉपिक सीरियस चल रहे हैं। मुनव्वर का विन का गिफ्ट ये सुपर चैट है, ABZY, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, थैंक यू फॉर द सुपर चैट, पैसा अपने पास रखना है, मुनव्वर को देना नहीं है ना, ऐसे साबित करो इनको को उसको दे देंगे, ठीक है ओके। मनु भाई आप बहुत मजा आया, मनु भाई आज बहुत मजा आया क्या? मनु भाई बहुत मजा आया इस बार बिग बॉस और आपके के साथ, इनसाइट्स के साथ तो, और फनी एक्सप्रेशंस के साथ तो और भी ज्यादा, पहले बिग बॉस देखो और फिर आपको, enjoyed a lot and miss you, looking forward to see you again, fun city facts, thank you brother, हमने भी कोशिश की थी कि आपको हम पसंद आए। अंतिमा, अंतिमा भाग कहाँ चली गई, अंतिमा पकड़ो ऊपर चली गई अंतिमा, अंतिमा ये क्या हुआ भैया इसको, हमारा पन्ना पलटी गया, यही था, निकालो अंतिमा को निकालो, आएगी भी इधर ही आ जाएगी, तब तक हम यहाँ पकड़ते हैं, अंतिमा इधर तो है ही नहीं, इधर नहीं है ना। साजिद जमाल थैंक यू फॉर द सुपर चैट, अंतिमा को पकड़ो बेटा, कहाँ है अंतिमा ढूंढो गाइस। अरे क्या बात है, आज तो वीडियो पे लाइक मांगा नहीं फिर भी इन्होंने इतने सारे जनों ने दे दिया, इनको लगा चलो यार इसकी मेहनत को सफल करते हैं, इसको लाइक दे देते हैं, हैंग हो गया होगा, बाहर निकल के आ जा वापिस से काके, एक बेरी बंद कर दे फिर आगे 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 कहाँ से पढ़ना था, अंतिमा थी गया, कहाँ ढूंढेगा अंतिमा को, इधर ही ऊपर की जे तो स्क्रीन शॉट है वीरे, अंतिमा कहाँ है, अंतिमा अंतिमा पकड़ लिया, अंतिमा मिल गई। मनु भाई आप मुनव्वर से कहना कि उसने उसे जिताने वाले सारे लोग आपके चैनल पर थे, उसके फैंस को थैंक यू करने के लिए आपके चैनल बेस्ट प्लेस है। ये लड़की बहुत तेज निकली, इसने अपना कमेंट सबसे पहले भिजवाना है मुनव्वर को, बाय फार बेस्ट एंड ऑनेस्ट रिव्यू, जस्ट लव यू मनु भाई, थैंक यू दीपेश जोशी, थैंक यू राजा, राजा आ चुके हैं यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अभी थैंक हो आई एम योर कश्मीरी, क्या बात है भाई मजा आ गया, आई एम क्रेजी फॉर नरुटो। मुनव्वर ने मुनव्वर के ऊपर बहुत सारे कॉमेडियंस का स्टैंड अप मटीरियल बनाएंगे, वो खुद भी लिखेगा, बिल्कुल डेफिनेटली वो खुद भी लिखेगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और ये शायद याद भी नहीं होगा मैं काफी दिन से नहीं, अरे ये तो मुझे याद है यार, काफी दिन से नहीं आ पा रहा, बट वर्क यू नो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, अभी भी मैं हॉस्पिटल में ओपीडी से निकल के आपको मैसेज किया, बट मिस यू ब्रदर, क्या बात है ये साहब, थैंक यू बट आप अपना काम कीजिए, लगातार लगे रहिए। मन्नत मन्नत डॉक्टर मन्नत फिजियो केयर साइको केयर बेस्ट रिव्यू मनु भाई, थैंक यू ब्रदर, हम थोड़ी थोड़ी मस्ती बीच बीच में करते हैं ना,
मिगोनन परी, पहले मेरी चैट के टाइम नो साउंड आ गया था। अच्छा आ गया था क्या? ओ माय गॉड सॉरी। हाँ आपकी चैट के पैसे इनको कह दो, ऐसे दे देंगे, ऐसे झूठ बोल दो। थैंक यू सेमी फॉर यू। मोहब्बत से सजे जो डगर उसका घर कहते हैं। मोहब्बत से सजे जो डगर उसको घर कहते हैं। इशारा पढ़ भाई तर। इशारा ईर्ष्या जलन भरी आंखों को बाद नजर खेलते हैं। नहीं पढ़ लेता रहने दे। ईर्ष्या नजर भरी आंखों को आंखों के बाद नजर जलन कहते हैं। मेहनत से जो मिल जाए जिंदगी में उसको मुकद्दर कहते हैं। और जो अंधेरी रातों में भी जगमगाए उसको मुनव्वर कहते हैं। क्या बात है सैमी साहब, ये वाला कमेंट भी मुनव्वर को दे देते हैं। आना पड़ेगा। वानी वानी कैसी हो? अपनी जीत मिल गई। फीलिंग लाइक Validation from all these people who pick up the feminism jhanda without thinking, right to live with dignity is a fundamental right too for men also. Yeah, Vani, definitely. Yeah, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े झंडे उठा करके घूम रहे होते हैं कि कौन सही कौन गलत की बातें करने के लिए, सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का हक है और गलती करके उससे उभरने का हक है। बिल्कुल वानी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। प्रियंका आपका रिव्यू करूं तो मैं कहूंगी मनु आपका दिल हमेशा से मुन्ना से लपटा चुपटा था, बट यहां से सल्लू आप हो ना, बट यहां के सल्लू आप हो ना, तो आपको कैसे कहें कि शो की थीम के जैसे आपका दिल भी थोड़ा बदमाश था। आप तो अब तो बता दो प्रियंका। एक्चुअली देखो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे ना मुझे चलो बताओ फिर अभिषेक क्यों अच्छा लगा, मुझे क्यों अच्छा लगा तुम बताओ। ऐसे कोई लिपटी चुपटू मेरे दिल नहीं था। लिपटी चुपटू शाणी जॉन जी के थैंक यू फॉर द सुपर चैट। जसबीर थैंक यू फॉर द सुपर चैट। दानिश मोहम्मद भाई मुनव्वर के विनिंग अमाउंट में से 50% आपका हक बनता है। अरे दानिश का भी ले लो, दानिश का भी ले लो। ए दानिश तेरा भी कमेंट ले लिया, सब भेज दूंगा उसको मैं। भाई मुन्ना के जीतने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। हैप्पी बर्थडे मुन्ना। सताक्षी तेरा भी जा रहा है कमेंट, तेरा भी जा रहा है, सबका जा रहा है, ये सब कमेंट वहां जाने वाले हैं, डोंट वरी। साजिद जमाल थैंक यू फॉर द सुपर चैट। क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन मनु भाई यू आर अ ग्रेट सोल एंड यू रियली सपोर्टेड मुन्ना एंड अभी। लव यू। आई एम फ्रॉम कर्नाटका हुबली धारवाड धारवाद। यू हैव ऑल्सो फैन फ्रॉम साउथ इंडिया ऑल्सो, बट मिस यू प्लीज बींग बोथ गाइज फॉर इंटरव्यू। डेफिनेटली क्रिस्टल साहब मैं दोनों को इंटरव्यू के लिए लेकर आऊंगा। डेफिनेटली पढ़ो। सानिया थैंक यू फॉर द सुपर चैट। तबरेज हाय मनु भाई ठाकरे का रोना स्टार्ट हो गया। अरे मेरे को नहीं पता भैया किसका हो गया, अपन को रोने वालों से मतलब ही नहीं। हंसो भैया अपन खुश है भाई। आपके सीजन भाई आपका सीजन बोलना था गलती से 13 टाइप हो गया। मनु मनवीर की फ्रेंडशिप वॉज ऑसम। आपका रिव्यू बहुत पसंद आता है। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपको भी दे रिजवान साहब, आपको भी बहुत खुशियां मिले। और कोई फर्क नहीं पड़ता, सीजन 13 भी अपने भाई का ही था, सिद्धार्थ का था, तो दोनों सीजन एक ही है भाई। भाई प्लीज थैंक्स वंस फॉर ऑल बांग्लादेशी पीपल हु इज हेयर फॉर यू। लव यू फ्रॉम बांग्लादेश। चीयर फॉर मुन्ना एंड मन्नू अभय। गाइज टू नॉट ओनली टू बांग्लादेशी पीपल्स, बट फर्स्ट आई थैंक यू टू ऑल बांग्लादेशीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। इतनी रात रात को आकर के हमको आपने देखा। इसने थंबनेलों पे मेहनत की है, इसने थंबनेलों पे मेहनत की, स्टोरीज पे की है, मैंने अपनी आंखें सुजा ली है आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, आपने हमारे इतने एफर्ट्स को इज्जत दी। मैं तो आंखें काली काली और पड़ रही है साइडों में से। कल से मैं अपना ध्यान रखूंगा, ऐसे वो खीरे वीरे लगा के रखूंगा, एक दो डॉक्टर वॉक्टर के पास भी जाऊंगा। बट थैंक यू गाइज और आप सब लोगों को, इनफैक्ट नॉट बांग्लादेशीज को तो, बट पूरी आवाम को, जितने भी आप लोग सब मुझे देखने आते हो उन सबको बहुत बहुत थैंक यू भाई। मेरे भाई खुश हो गया मुनव्वर जीता तो, खुश हो जाती ज्यादा अगर अभिषेक जीतता तो। सोनू भाई स्माइल।
ईसा एंड मूसा, सोनू भाई स्माइल, सोनू भाई स्माइल करो, चीयर्स। यूजर हैक, मुन्ना को नजर ना लगे, डेफिनेटली मुन्ना को नजर ना लगे, मुन्ना को नजर ना लगे। जे एम, कॉन्ग्रेचुलेशन मुनव्वर मनु, ग्रेट रिव्यू, थैंक्स, थैंक यू जे एम, थैंक यू। आई एम क्रेजी फ्रॉम फॉर नारुतो। भाई सोनू को आपने किडनैप किया है क्या? ऐसे नर्वस और डरा हुआ क्यों बैठता है? अरे इस, ये इससे पूछो, ये जान बूझ के ऐसे दिखाना चाहता है कि जैसे मेरे पास बैठ के डरा हुआ सा, घबराया हुआ सा है। लड़की का नाम कुछ भी डरा हुआ नहीं होता है गाइस, ये डरा हुआ है गाइस, ये झूठ बोल रहा है गाइस, इसके पैर भी हिल रहे होंगे गाइस। देखो गाइस, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो हाथ, धीमा धीरे हल्का। ये गाइस डर तो नहीं रहा है, फिर साले बोल क्यों नहीं रहा? आगे कमेंट तू पड़ेगा। ये लो, यहां से शुरू करो, ये यहां से अबिदुर रहमान, वेल आई वांटेड बॉट टू विन इफ पॉसिबल, बट मुन्ना डिजर्विंग टू विन एज कंपेयर्ड टू अभिषेक, ही लॉस्ट हिज रेस्पेक्ट बिकॉज़ ऑफ द शो कांग्रेस मुनावर। अबिदुर रहमान, अनिस खान, थैंक यू फॉर सुपर चैट, दुबई लाइफस्टाइल, दुबई लाइफस्टाइल, आप बोलिए, थैंक यू भाई मुनावर विन और बाकी सबकी जल के राख हो गई। एब्सोल्युटली, गुड़िया पानी पिला दे यार। मोहम्मद मोइज, मनु एंड मुनावर लाइव, कांट वेट, प्लीज बुला लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपका, हमारा पक्का है। लव यू मनु भाई, यू आर अ ग्रेट मैन। टैमिंग एवरीवन, टैमिंग एवरीवन, अरे लाइफ इज नॉट फॉर टैमिंग पीपल, लाइफ इज फॉर पीपल विल टेम्प्ट टू योर ऑरा एंड विल सी यू एंड दे विल वांट टू टेम्प्ट टू यू। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आप लोगों का रेस्पेक्ट, बहुत सारी कंटिन्यूटी, बहुत सारे आपके एफर्ट जो आप लोगों ने मुनव्वर के लिए किए। हम सब लोगों ने यहाँ पर बैठ करके मुनव्वर के लिए बहुत सारी प्रेस तो नहीं की, पर हमने क्या बहुत सारी मेहनत की। हमने मेकर्स ने जो सिचुएशंस रखी, हमने उसके ऊपर यहाँ पे बात की। आप एक बहुत उम्दा और समझदार ऑडियंस है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर योर ऑल एफर्ट्स। हैप्पी बर्थडे मुनव्वर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मुनव्वर, डिजर्विंग टॉप थ्री, टॉप पे बैठा हूँ हक से, पहली बार हम्बल हूँ मुनव्वर पे हक से, फिर भी हम्बल हूँ। ओके, टॉप में बैठा हूँ, जीत गया हूँ, फिर भी हम्बल हूँ। संदीप दहीवाल ये बोल रहे हैं, बिल्कुल संदीप सही कह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो एकदम हम्बल ही था। रजी कजी, आप लेट कहाँ हो गया भाई तू आज? रजी भाई कहाँ लेट हो गया तुम आज? थैंक यू भाई फॉर एंटरटेनिंग अस सो मच, love you a lot and respect, love you to you too and respect to you too। pani 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 mat de, itni baar mang liya maine tujhse, come idhar aa, mil le logon se, aa ja, hi lo kar lo tum bhi, aao hamare paas ek shayar hai dosto, are yaar shayari ek, dekho dekho kasam hai, idhar dekho meri kasam hai, idhar oy, ek shayari nahi sunayegi, ek shayari phatafat suna warna poll khol dunga yahan pe main, bata dosto main aapko iske bare mein kuch bataun to fir aake khud hi suna de, jaldi jaldi warna khud suna de, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये अक्सर अपने मोबाइल फोन को, तो फिर आना, फिर जल्दी आके एक शायरी बता के चली जा, मैं तीन तक गिनूंगा, पोल खोल रहा हूँ, एक हमें नहीं, इधर आके, दो तीन। दोस्तों ये अक्सर है ना, अपने कमरे में जाकर के अपने मोबाइल को ऐसे रख करके बोलू, आ रही है तो फिर आ, जल्दी आ, नहीं, नहीं आएगी। दोस्तों ये एक्चुअली ये चीटर शायर है, ये कोई असली शायर, तो फिर आ ना, फिर बुराई कर रहा हूं मैं तेरी, नहीं आ रही तू। मनु कौन दिलवाला होगा जिसको अभिषेक के इमोशंस पसंद नहीं आएंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आई नो यू लव अभी, यू लव अभी, बट मुन्ना फेवरेट लगा आपका, अभिषेक चार्मर है, कैसे प्यार नहीं होगा इमोशंस को इतना अपफ्रंट रखने वाले से। प्रियंका डेफिनेटली, और ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे दोनों लोगों से इक्वलेंटली प्यार था, मतलब हाँ मुझे मुनव्वर शुरू से अच्छा लग रहा था, बिकॉज वो एक शो चामर था और अभिषेक ने अपने आप को खड़ा होकर के अपने सारी चीजों को बेहतर तरीके से करके दिखाया था। मनु भाई प्लीज प्लीज प्लीज, विक्की मॉम मिमिक लास्ट टाइम, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, विक्की मम्मी, अरे बेटा विक्की बेटा, विक्की बेटा, हमारे को तो ये विक्की बहुत ही प्यारा बेटा, हमारा तो ये जीत जाता, फिर चाहे कोई और नहीं जीतता सलमान भाई, हमारे को ये हमारा बच्चा बहुत पसंद है, देखो ये कोई डरा हुआ नहीं बेटा, हमारी कोयले की खान है। आंटी मस्त थी आंटी। मोहम्मद मोइस, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। मुन्ना का इंटरव्यू लो भाई,
करोगे, प्रॉमिस करो। ओहो, ये शाने देखो, शाने अलग अलग तरीके से कमेंट डाल रहे हैं मुनव्वर को लपेटने के लिए। बिल्कुल सही है। असासिन साहब, बिल्कुल बिल्कुल। भाई टैली खजाना वाले की जल गई, बिग लव यू भाई। मतलब मैं समझा नहीं क्यों किसी की जले, हम क्यों चाहे किसी की जले। ई बस प्रॉमिस कर रहा हूं उसका इंटरव्यू लेंगे, और किसी की भी मैं मतलब मैं उन चीजों के बारे में नहीं जानना चाहता। हो सकता है कल को नेक्स्ट ईयर जो मैं प्रेडिक्ट करूं वो ना जीते, तो तुम लोग मेरे बारे में भी ऐसे ही कहोगे क्या? किरक दिखा नेकू आज का टॉप थ्री। किरांक दिखा, अब तू पढ़ इसको। पूजा क्या लिख रही, पूजा तू क्या लिख रही? पूजा किरांक दिखा मेको आज पूजा तू चंचल हो चुकी है, क्या लिख रही? एलिमिनेशन पिंडे में मिला दिया, एलिमिनेशन पिंडे में मिला दिया। हाँ, पिंडे में मिला दिया बाकियों को। मुन्ना भी टॉप टू में रहे जब एक्स कंटेस्टेंट हारे, परेशान हो गए। अरे क्या बात है, इन्होंने जो कमेंट लिखा है दोस्तों, ये दो तीन बार लिखेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, एक बार में हमसे हो नहीं पाएगा। ये बड़ी गहरी चीजें लिखती हैं जब भी लिखती हैं। मोहम्मद मोइस, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। उस्मा ऑफिशियल, भाई आपको पता था ना कि मुन्ना जीतेगा? एक दो दिन पहले से आपसे मिलना है भाई, एक बार लव फ्रॉम नागपुर। भाई मैं आपका बहुत पुराना व्यूअर आपके, क्या लिखा है इन्होंने एंड में, कंस्टेंट। ओके, वेरी गुड। उस्मा साहब, मुझे विनर पता था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे विनर का अंदाजा था कि कौन जीतने वाला है, ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता था क्योंकि मेकर्स मेरे से ट्रॉफी डिसाइड करके दे नहीं रहे थे, और मैं सालों से मैं खुद नहीं ले लेता, बट अब मुझे आइडिया था। और रूहल, आज उन्होंने प्रियंका चार चौधरी की भी बात की, वो भी बहुत डिजर्विंग विनर थी, उसकी भी बात की। रूहल, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। एंड बिल्कुल नागपुर वालों, मैं आपके संतरे खा खा के बड़ा हुआ हूँ अपनी जिंदगी में, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। आपके संतरे नहीं, आपके बगीचों में जो संतरे, आपके संतरे निकालू तो क्या काम चलेगा? आप अपने खाए, अपने ठंडे करके खाएं आप, हम तो अपने खाएंगे आपके बगीचे के। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। एंड सॉरी मनु भाई, लेकिन बहुत नॉर्मल चैट किया और आपने नहीं पढ़ा। जय प्लीज, सॉरी जय, मुझे गलत लग रहा है, सॉरी जय, मुझे बुरा लग रहा है। बुरा लगा कि जस्ट पैसे देखकर ही चैट पढ़ोगे आप। बाय द वे मुन्ना डिजर्विंग विनर। जय प्लीज, मैं कैसे पढ़ पाऊं यार, इतने सारे चैट होते हैं, मैं इनको पढ़ने में भी आगे भग जाता है बार बार, तू देख रहा है। ऐसे मत कर जय, मेरे को बदनाम मत कर, मैं सोनू को मारूंगा लाइव खत्म होने के बाद। फारूक अहमद, एक बार पूजा भट्ट की कॉपी कर दो प्लीज, तो मुझे 40-40 रुपए में नचाना चाहते हैं ये लोग, मुझे 40-40 रुपए में नचाना चाहते हैं, पूजा भट्ट बनाना चाहते हैं मुझे। कैसे कैसे कर सकती हैं आप? आपको सोचना चाहिए किसी से ऐसी बात करने से पहले। पुरुष की इज्जत नहीं होती है? एक अकेला पुरुष अपने आप में कोई कमजोर होता है? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं बताइए आप। सो अब मैं तीन कॉमेंट और पढ़ने वाला हूं, फिर हम लोग एक दूसरे को विदा करेंगे। और बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों ने मेरा इतना साथ दिया उसके लिए। आप और करण जैसा भाई हो तो मुन्ना को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक गाने के लिए एक गाना आपके लिए, एक गाना लिए एक गाना आपके लिए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे क्या तेरा दिल आ जाता तो जो प्यार हो जाता, तू मुझको मिस करता जाता क्या? मेरी नीली नीली आंखों पे क्या, तेरा शायरी करने का मन कर जाता। नीली नीली आंखों पे क्या, मेरी नीली नीली आंखों का समंदर तुझे लेके जाएगा, बोट के अंदर दूर तक घुमा के लाएगा। मेरी नीली नीली आंखों का क्या, कुछ तो बताओ। मोहम्मद रिजवान सलमानी, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। बटवानी, लव्ड यू वानी, थैंक यू फॉर द ग्रेट कॉमेंट। और मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, और बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। स्पाम, साक्षी रावत, कुछ भी लिख दो अपना कमेंट पढ़वाने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, 10 मिनट्स में पूरे 120 वोट्स किए मुनव्वर को, भाई को, और साइड में व्हाट्सएप ग्रुप पे इनवाइट भी किया लोगों को करंट वोटिंग पर। क्या बात है, पेट्रोल, तुम्हारा नाम पेट्रोल है बेटा, तुम्हारा नाम पेट्रोल 111 है। तुम महंगे पेट्रोल हो और स्पीड पेट्रोल हो, तुम्हें हल्का सा फुम्बा लगा कि किसी को भी तुम गायब कर सकते हो, तेज भागेगा वो भी, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। थैंक यू, तुमने ये काम किया, ऐसे कांड करते रहो, अपनों को जीताते रहो।
सो गाइस वंस अगेन आप सबकी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने फादर को भी बोलना कि मनु ने कहा है कि औरतों की तारीफ करने से औरतें खुश हो जाती हैं, अब मर्द हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें ऐसे करना पड़ता है। वेल डिजर्व्ड विनर मुनव्वर फारूकी, ही प्लेड सो ग्रेसफुली बट वॉज डिसअपॉइंटेड नॉट टू सी अंकिता इन टॉप थ्री। नाउ सी यू इन नेक्स्ट बिग बॉस 18, इंटरेस्टिंग सीजन। ओके बी एस जे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वसीम साहब थैंक यू, मनु भाई मजा आ गया, थैंक यू वसीम साहब। फारूक अहमद लव यू मनु भाई, मिस करूंगा आपको, मैं भी आप लोगों को मिस करूंगा, बहुत बहुत थैंक यू, अपनी मम्मी को बोलना मनु आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल। आपका दोस्त आपका होस्ट मनु पंजाबी, इसी तरह से आप लोगों के साथ जुड़े रहूंगा। प्रियंका तुसी जा रहे हो? ओए हाँ हुण जान दे यारा, हुण जान दे, ओए मेरा भी अब टाइम हो गया, अब लोगों ने यूं लगता होएगा कि सुपर चैट दे नाल खड़ा है तो हुण असी चलिए। लव यू, टेक केयर गाइस, लव यू। किसी जो मिस कर गया इसको वो बाद में देख लेना, जो रह गया उन सबको सलाम, टेक केयर, बाय बाय। अभी मुझे एक ट्वीट भी मारना है, लव यू, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हम रील्स बनाएंगे, मस्ती करेंगे, बाय बाय। ये भी अपने घर जा रहा है, कहां से है तू? बोलना पूरा दोस्तों, ये कुचामन रहता है तो आप इनसे कुचामन में मिल सकते हैं। हैदराबादी सीखो मिया, कब सीखते क्यों नहीं पूजा जी, हम डेफिनेटली सीखेंगे, हैदराबादी भी सीखेंगे, सारी भाषाएं सीखेंगे, फिर पीएम के लिए लड़ेंगे। लव यू, अपनी मम्मी को बोलना पैरी पोना कायम।